जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। खिन एकले हूँ लटक भंजाए। जीव रे चतुर मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए। जीव रे चतुर मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए। चारों तरफों चौदे लोगों, चारों तरफों चौदे लोगों, काल पहुँचो आए। खिन एकले लटक भंजाए। जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। खिन एकले हूँ लटक भंजाए। पवन पानी आकाश जीमी, ज्यो अगीन ज्योत बुझाए। अवसर सो जान के तू प्राण पति लो लाए। खिन एकले लटक भंजाए। जन्मत ही तेरो अंग झूठो, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। देखत ही मिट जाए। देखन को ये खेल खिन को, देखन को ये खेल खिन को, लिए जात लपटाए। देखन को ए खेल खिन को, लिए जात लपटाए। महामति रूदे रमे तासु, महामति रूदे रमे तासो, उपजत जा की इच्छाएं। खिन एकले लटक भंजाए। जन्मत ही
तेरो अंग झूठो जन्मत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए देखत ही मिट जाए खिन एकले हूँ लटक भन जाए खिन एकले लटक भन जाए जन्मत ही जन्मत ही जन्मत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए देखत ही मिट जाए खिन एकले हूँ लटक भंजाए जन्मत ही तेरो अंग झूठो जन्मत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए देखत ही मिट जाए देखत ही मिट जाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सतगुरु महाराज की जय बाबा दयाराम साहेब आपके सदा ही जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यार की जय श्री बाजराज महाराणी की जय कृष्ण प्रणामी धर्म की श्री महाराजा छत्रसाल की स्वामी श्री लाल दास महाराज की श्री महाराज राम साहेब आपकी सदा ही समस्त सुंदर साथ की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फला धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम पिता त्वमहं न जाने आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम व्रजेश रूपे पुरा पिजातम् प्रवेश प्राप्तम् प्रियपा
नाथम परेश पूर्ण सततम् नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनैक बन्दो शरणं प्रपद्ये वन्दो श्री सतगुरु के चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्व प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मानी सुखकारी शीतल सदा सतगुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देत हैं सुंदर रूपन सुंदर रूपन बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महारानी बायजुराज की महाराजा छत्रसाल की बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय श्री महाराज राम रतनदास साहेब आपकी सदाई जय सर्व सुंदर साथ की जय श्री महामति के मोमिनो ए पाती की हकीकत अब मुकदमा कहूँ फरदारोज क्यामत फरदारोज क्यामत पुजारी जी महाराज आदरणीय संतजन श्री राजीव महाराज से सच्चा संबंध रखने वाले पवित्र आत्मा प्यारे सुंदर साथ जी माताएं बहने भाइयों सज्जनों आज आगे की चौपाई बोले बगैर ही प्रारंभ कर रहे हैं उसका कारण आपको पता चल ही जाएगा। आज 21वां 22वां एक माह पर्यंत चल रही ये श्री बीतक साहब ब्रह्म मुनि जनों के जीवन वृत्त को हम 22वें दिन में श्रवण कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं। 22वें दिन की इस पवित्र सभा में आप सभी का स्वागत है। कल के प्रसंग में हम आप सभी 12 मोमिनों के साथ में
बंधन में थे, कैसे उनके साथ में सख्ती की गई वो परसों ही बात हुई थी। उसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर सात को ढाढ़स बंधाते हुए उनके दुख को कम करने के लिए उनके साथ हो रही तकलीफों में मानो के मरहम की तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने वचनों को अपने हाथ से लिख करके पत्री के रूप में, चिट्ठी के रूप में भेजते हैं। और साथ साथ में सुंदर साध भी कुछ बातें पूछनी होती है, कहनी होती है श्री जी महाराज से, वो भी बात लेकर के पत्रिका वृत्तांत हमने दोनों पत्रियों को कल समझने का प्रयास किया। मैं तो ये भी कहूंगा सुंदर साध जी, ये पत्री केवल 12 मोमिनों के लिए मात्र समझ करके छोड़ देंगे हम लोग, ये तो मोमिनों के लिए लिखा था, मोमिनों ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को लिखा था, बस वही पत्री है, इतना मात्र समझेंगे तो ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। और ये पत्री केवल मोमिन तो एक आधार है, हमारे जीवन में भी अनेक कष्ट आ जाया करते हैं, तकलीफें आती हैं, उस समय हमें कैसे अपने आप को संभालना है, थोड़ा सा आप इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप पत्री को पढ़ लीजिए दोबारा, एक एक चौपाई को, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए, आपके दिल में एक एक शब्द उतर जाएंगे, प्राणनाथ जी महाराज ने हमारे लिए पत्री भेजी है, ये समझ में आएगी। तो सुंदर साहब जी, कल के प्रसंग में पत्रियों का वृत्तांत हमने सुना, कैसे कैसे पत्रियां, क्या क्या हुआ, कितनी कठिनाइयां आई, पत्रियों के माध्यम से सुना। आज श्री प्राणनाथ जी महाराज पत्री लिखते हैं प्राय ये कामा पहाड़ी में रह करके, है ना, अनुप सर पहले गए थे, फिर उसके बाद में श्री सुंदर साहब जी ने मोमिनों ने कहा था कि आप एकांत में रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए, आप हमारे सिर पर खड़े हैं तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, ऐसी हिम्मत में कहा था। उस समय जो एकांत की बातें थी वो कामा पहाड़ी, आज भी ये जगह है, हम कामा आज भी है, और मेरे ख्याल से राजस्थान में पड़ता है, भक्तपुर के पास है। हाँ, और वो पहाड़ी भी है, गांव है कामा, कामा बोलते हैं, कामा पहाड़ी नहीं, पहाड़ी है वो, थोड़ी सी टेकरी सी है, और कामा नाम है उसका, आज भी कामा नाम से बोला जाता है, और थोड़ी सी टेकरी सी होने से उसको पहाड़ी कहते हैं। वहां श्री प्राणनाथ जी महाराज करीब करीब मेरे ख्याल से चार महीने तक रहे। राजस्थान तो राज्य का स्थान हो गया सुंदर साहब जी, है ना, तो कामा पहाड़ी में रहते हैं। उसके पश्चात अब कामा पहाड़ी से श्री प्राणनाथ जी महाराज, क्योंकि हमने थोड़ा सा चौपाई आगे इसलिए नहीं बोली कि सुंदर सात की भावना है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, और मैं कहूं यहां जयपुर नाम नहीं है, क्योंकि उस समय जयपुर शहर बसा ही नहीं था, जय सिंह ने बाद में बसाया, 1700 ईस्वी संवत है इतिहास की बात, 300 साल हो गए श्री प्राणनाथ जी महाराज आने के बाद में बसा, शायद ऐसा भी होगा राज्य की कृपा, क्योंकि आज भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में नहीं, शायद मेरे ख्याल से विश्व में ही व्यवस्थित मैनेज्ड अथवा प्लान्ड सिटी के रूप में कोई पहला शहर बसा हो ये जयपुर है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस भूमि में चरण रख करके गए वहां तो प्लैंड बनना ही था ना, है ना, तो सुंदर साहब जी इस भूमि में श्री प्राणनाथ जी महाराज आने की तैयारी में हैं, अभी कामा में ही हैं, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, राजधानी अमेर थी, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से 700-800 उससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 1700 की बात नहीं है, 1000 के आसपास, उससे पहले का भी इतिहास शायद है, क्योंकि मैं अभी गया था आमेर में, एक दिखाते हैं, डिटेल में ज्यादा ख्याल नहीं आ रहा है,
रिकॉर्ड करके लाया हूं, सुनूंगा उसको। और तो उसमें इतिहास के विषय में बताते हैं, बहुत पुराना इतिहास है इस क्षेत्र का, पर जयपुर का करीब 350 वर्ष पुराना इतिहास है। उससे पहले इस क्षेत्र में यहाँ के राजा की राजधानी के रूप में आमेर स्थान हुआ करता था, और वो आमेर आज भी जयपुर के अंदर ही है, यूं कह सकते हैं। उसके बाद बसा है, जयसिंह ने जयपुर राजा जयपुर को बसाया, इसीलिए जयपुर नाम हुआ। और उसके बाद आमेर का आधिपत्य, आमेर की बातें थोड़ी सी कम जरूर हुई है सुंदर साहब जी। तो कैसे श्री प्राण जी महाराज जयपुर में कैसे आते हैं, क्या है, वो अब आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लाल दास महाराज की जय, श्री महाराज दयाराम साहेब बाप की सदाई जय। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए तो आ गया हकीकत, कमा पहाड़ी से होके आए बीच आमेर, दिन एक दो रह के पीछे आए सांगनेर, पीछे आए सांगनेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की। कामा पहाड़ी से होए के श्री प्रणा जी महाराज पत्री भेजने के पश्चात, इससे मुझे लगता है, ये मेरी बात है सुंदर साहब जी, कहीं वाणी अभी तक में लिखा नहीं है श्री, क्योंकि कई बार कल प्रसंग में आया था, यदि आप चाहते हो तो मैं यहां से निकल जाऊं, या बंधन में रहने के लिए कहोगे तो मैं बहुत बड़ा सहयोग नहीं कर पाऊंगा, और आगे निकल करके राजे महाराजों को जगा करके तुम्हारे पास या औरंगजेब के पास भेजना चाहता हूं। तो ऐसा लगता है श्री 12 मोमिनों ने श्री प्राण जी महाराज को कह दिया होगा आप निकल सकते हैं, ऐसा लगता है। तो श्री प्राण जी महाराज सुंदर साथ को लेकर के कामापाड़ी से बाहर निकले, और निकल करके आए बीच आमेर, आमेर में आकर के एक दो दिन तक आमेर में रहने के बाद में श्री प्राण जी महाराज वहां से सांगानेर जाते हैं। आमेर इधर सुंदर साह जी और सांगानेर इधर है। हमारा दृढ़ विश्वास है श्री प्राण जी महाराज के चरण इस भूमि में अवश्य पड़े, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो उसी के निशानी के तौर पर आप लोगों ने लिखा भी है यहाँ, और उसमें मानने में कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं कतई, ठीक है। भले भूमि का नाम नहीं लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस भूमि में नहीं आए। श्री प्रणय जी महाराज अवश्य इस भूमि में अपने चरणों को रखते हुए इस भूमि को पवित्र करके, मैं तो कहूंगा जैसे है ना, विंध्याचल पर्वत के ऊपर से जब शिव पार्वती जा रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि विमान को रोकने को कहा, इस भूमि में मन नमन करने का मन हो रहा है ना, क्योंकि इस भूमि में कोई ब्रह्मा आत्माएं आने वाली है इस भूमि को और पवित्र करने के लिए। तो श्री प्राण जी महाराज ने आने वाले समय में यह धाम बनेगा, तीर्थ बनेगा, मंदिर बनेगा, सुंदर साथ का श्रद्धा का केंद्र बनेगा, इस भूमि में क्यों ना मैं पहले से चरण रख करके जाऊं, ऐसा सोच करके श्री जी महाराज पहले से यहां आए हो, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है सुंदर साथ जी। श्री प्राण जी महाराज आमेर में 2 दिन रह करके सांगानेर चले गए, थे मुकुंदा उदयपुर वहां से आए सांगानेर। मुकुंद जाओ उदयपुर करके कहा था, हाँ, कार्य विभाजन करते समय श्री प्राण जी महाराज ने, तो मुकुंदास जी रहते थे उदयपुर में, वहां से आए सांगानेर श्री प्राण जी महाराज की खबर लेने के लिए, सुंदर साहब की खबर लेने के लिए उदयपुर से श्री प्राण मुकुंदास जी महाराज हैं वो जाते थे दिल्ली की तरफ, तो रास्ता होता था सांगानेर आए
कहाँ चर्चा करने लगे है सुना शोर लड़ाई का जोर है। और वहाँ बातचीत हुई तो ये बात फैल चुकी थी इधर भी कि कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ब्रह्म मुनिजन। कोई ना कोई बात इधर आई थी तो श्री मुकुंददास जी ने उस समय सुना था सांगानेर में ही कि ऐसा ऐसा युद्ध हो रहा है, बाक युद्ध हो रहा है, हाँ, वचनों का युद्ध हो रहा है, धर्म का युद्ध हो रहा है, ऐसा करके सुन लिया था। तब वहां से चले आए पहुंचे आमेर। और कहते हैं सांगानेर से श्री प्रांडा जी महाराज के चरणों में पहुंचने के लिए, श्री जी के दर्शन करने के लिए निकले थे तो रास्ते में आमेर आकर के रुके। वहां से जी साहब जी की खबर सुनी फिर आए सांगानेर। दो चार दिन श्री प्रांडा जी महाराज आमेर रहने के बाद में सांगानेर चले गए थे ना, तो जैसे ही मुकुंददास जी आमेर में आए तो पता चला श्री प्रांडा जी महाराज जमात के साथ में सुंदर साथ के साथ में सांगानेर जा चुके हैं। ऐसा पता चला तो मुकुंददास जी आमेर से वापस सांगानेर की तरफ जाते हैं श्री जी के दर्शन के लिए। राह बीच में शेख बदल मिले। राह के बीच में जैसे ही मुकुंददास जी वापस लौट रहे थे सांगानेर के लिए आमेर से, तो उस समय शेख बदल भाई रास्ते में मिल जाते हैं। इनसे मिल चल के आए पेड़े निवासियों के, और इनसे मिल करके वापस आ रहे थे सांगानेर की तरफ, तो भीलों का गाँव होता था उस गाँव में पहुंचे। तीनों ताके मारने के पैसे थे बीच कमर रे। कहते हैं उस समय क्या होता था, अभी भी होता है ना, कुछ इलाकों में चलते समय पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था वाले क्या करते हैं कि एक आध गाड़ी को जाने नहीं देते हैं। अभी भी ऐसा इलाका, ये राजस्थान नहीं, गुजरात से मध्य प्रदेश की तरफ प्रवेश करते हैं उत्तर गुजरात की तरफ से, तो उस इलाके में अभी भी कहा जाता है कुछ लोग ऐसे, और आपको जानते हैं बिहड़ों में अनेक दस्यु रहा करते हैं, अनेक डकैत रहा करते हैं अभी भी, हाँ आप जानते हैं, है ना, तो ऐसे रहा करते थे। तो वो बीलों का क्षेत्र था, मवासी माने बील, पशु जीने वाले लोग, पशु उनके पास खाने पीने की व्यवस्था तो ऐसी रहती थी, जो मिले उसी को लूट लिया करते थे। तो यहाँ पर शेख बदल भाई और मुकुंददास जी श्री प्राण्डा जी महाराज के दर्शन करने के लिए इसी रास्ते से जा रहे थे। यहाँ मवासियों का गांव आसपास में कहीं पड़ता था, उन लोगों को पता चला, देखा पैरवेश देख करके इनके पास कुछ मालताल हो सकता है, ऐसा सोच करके क्या होता है, ताके इनके मारने थे पैसे बीच कमर, कमर में पैसे बांध रखे थे, क्योंकि पुराना जमाना और आज भी है, आज तो तरीका बन गया, जेब वाली बनियान मिल जाती है, डाला और कमर में, और उसको पेंट के अंदर डाल दिया तो पैक हो गया कमर के अंदर। तो उस समय क्या करते थे, आगे आएगा सब देख, डर लगा बहुत के भागे उठते फिर कर रहे, और फिर ऐसे मूर्ख लोग पीछे पड़ गए और भील लोग पीछे पड़ गए, तो डरना था ही, भागे मैंने दौड़ करके अपनी जान को बचा करके पैसों को बचाते हुए आगे निकले। वहां से आए फिर में तहां एक दुकान पर रहे। ऐसा है, अभी मैं भीलवाड़ा गया था, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नाम समझ लीजिएगा, भीलवाड़ा, ऐसे भीलवाड़ा बोल देते हैं हम, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास में वहां मुझे बताया गया पूर करके गांव भी है, पूर करके गांव भी है, कि कुछ भी हो सकता है। और हेमंत भाई भंडारी जी की मान्यता थी, श्री प्राण जी महाराज इसी पूर से होकर के गए थे, और भीलवाड़ा के आगे आएगा ना वो कौन सा होता है, आएगा गांव का नाम। तो हाँ, एक दुकान पर श्री जी साहब जी बैठे देखे, उस पूर गांव में श्री प्राण जी महाराज, क्योंकि रास्ता आगे बढ़ना था उदयपुर की तरफ, ताके मारने थे पैसे बीच कमर, डर लगा बहुत तक भागे, तहां से आए पूर में, तहां एक दुकान पर श्री जी साहब जी बैठे देखे खाट, एक खाट ऊपर श्री प्राण्डा जी महाराज उस पूर गांव में एक दुकान के बाहर एक खाटले पर कुछ बिछा करके वह श्री जी महाराज को विराजमान कराया था। इधर से जा रहे थे मुकुंददास जी श्री प्राण्डा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, और साथ में शेख बदल भाई भी जा रहे थे, खाटले पर विराजमान श्री प्राण्डा जी महाराज के दर्शन किए। उस समय छबीलदास आगे खड़ा और मधुचंद नाम है। देखिए देखिए प्रसंग के अनुसार चलते चलिए सुंदर साथ जी, श्री प्राण्डा जी महाराज खाटले पर विराजमान है, तो दो सुंदर साथ खड़े हैं,
छबिलदास जी आगे खड़ा और मलुकचंद नाम मलुकचंद भाई भी साथ में श्री जी के। दो दुखी पड़े हते सदा सुधा और जोर शिष्ठा में। दो दुखी पड़े हते क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कामापाड़ी से चिट्ठी लिखते समय अपने आप को निभाना भी आसान नहीं है, बहुत सकड़ाई में रखोगे तो अपने आप को चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि जमात बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस समय जो खर्चा तो होता ही है खाने पीने की व्यवस्थापन की के लिए। तो सुंदर शाह जी ये बात कही थी, तो अब सुंदर शाह के साथ में अथवा श्री जी महाराज के पास में इतने बड़े धन की व्यवस्था थी नहीं सबको चला सके, तो ये सुंदर शाह के चेहरे देख करके लग रहा था दो दुखी पड़े हते क्षुदा जोर थी इस ठाम, मने अभी भूख लग रही थी व्यवस्था थी नहीं, ऐसी अवस्था बनी श्री प्राण जी महाराज के साथ भी। सुंदर शाह जी घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, घर में कछु ना पाइए मैंने अपने पास धन था ही नहीं बाजार से कोई सामान मंगा करके व्यवस्था करें, पहचाने शेख बदलने कदमों लागे इन समय, जाकर के श्री प्राण जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए शेख बदल भाई और मुकुंददास जी, और देखा सुंदर साथ के चेहरे को देख करके भाप गए कि व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, धन की कमी आ रही है। मुकुंददास आए मेरे थे बसनी रुपये शौचार, हाँ मुकुंददास जी आ गए थे बसनी, वही बसनी की बात कर रहा था मैं, कृष्ण कन्हैया लाल की बसनी। बसनी मैंने मुझे याद है जब तीर्थ जाया करते थे पहले, तो हमारे पिताजी जाते थे तो हम छोटे थे तो मैंने देखा था, तो पैसों को क्या करते थे एक कपड़े में लपेट करके सुई धागे से सिल देते थे और यूं कमर पर पटके की तरह अंदर से बांधा और ऊपर से कपड़े पहन लिए, बस नहीं है ना, तो पैसों को ऐसे रखने। अब आजकल तो तरह तरह की चीजें बन गई, पेंटों में टिकट पॉकेट बन जाती है ना, अब आजकल तो पैसे लेके चलने की जरूरत भी तो नहीं है ना, अब कह देने हम चाहिए आज की वित्त तक कोई लिखे तो था एटीएम जेब पर ऐसा लिखेंगे है ना, बटन दबाया और पैसे निकल आते हैं, तो उस समय पैसों को लेकर के चलना होता था, अभी तक चला जाता था। सुंदर शाह जी अब तो कोई पैसा इकट्ठा भी हो गया तो बैंक में कहीं भी डाल दो, कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है, आसान हो गया। तो बसनी में उस पट्टे में पैसा बांध करके लेकर के आए थे मुकुंददास जी, हाँ 400 रुपए उनके पास थे, मोल मंगाया बाजार से चला कार व्यवहार, इस तरह से 400 रुपए उस समय का बहुत है, करीब करीब लाखों रुपए की तरह से। सुंदर शाह जी सबकी व्यवस्था हो सके इतना पैसा था, तो सामान मंगाया, अनाज वगैरह मंगाया, भोजन आदि की व्यवस्था हो गई। पैसे शेख की ग्रह में रुपये 300 रुपये उन आए आगे रखे लगे बातें करने यकीन। एक सुंदर शाह का भाव देखिए, उन्होंने 300 और 400 की बात आती है, 400 की जगह 500 दे दिया, वापस करना है क्या? हाँ, और ये शेख बदल भाई के पैसे होंगे ये शायद, दे दिया। अच्छा बोलते हैं चढ़ा दीजिएगा, आज भाव है मेरा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, राजी को चढ़ा दें, श्री प्राण जी महाराज को समर्पित करना है ना, तो कितनी पवित्र भावना है। सुंदर शाह जी तो कहते हैं यह शेख बदल भाई के पास में 300 रुपये थे, किया प्रयाण रात को मुकुंददास मिलके, और उन्होंने भी लाकर के श्री प्राण जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया पैसा, किया प्रयाण रात को मुकुंददास मिलके। मुकुंददास जी और शेख बदल भाई सुंदर साथ के बीच में सर सलाह श्री प्राण जी महाराज से हो रही है, मुकुंददास के मन में खेद हुआ दिल से, और दिल्ली की बात सुनकर के मुकुंददास जी को बड़ा दुख हुआ, श्री जी साहब जी के दिल की लगे बातें पूछ, श्री जी महाराज के मन में क्या भाव है पूछने लग जाते हैं, देखी कैसे मसलत करते हैं हुआ कसाला ऊपर, सुंदर शाह पर जो कष्ट हुआ है मोमिनों पर उस पर श्री प्राण जी महाराज का क्या आशय है वो जानना चाहते हैं। तब श्री जी साहब जी ने कहा अब न छोड़ू इन्हें आगे और इलाज कर मार हूँ जड़ उखाड़ू बुनियाद पने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राण जी महाराज कहते हैं कोई न कोई दूसरा उपाय करके जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे, आज ये समझने के लिए तैयार नहीं हुआ, छोड़ने वाला नहीं हूं करके श्री प्राण जी महाराज ने मजबूती से कहा। और वास्तव में ऐसा कहा जाता है, वो विद्वानों के मुखारविंद से सुना, वैसे शायद भीतर में कहीं लिखा हो तो
मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ना भी हो सकता है, तो विद्वान लोग कई चीजें ऐसी पहले से परंपरा से भी बातें आती हैं। ऐसा कहा जाता है एक बार औरंगजेब बादशाह प्रातःकाल तैयार होकर के अपने दरबार पर सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है ना, तो जाता है तो उस समय कहा जाता है कि सिंहासन पर तो बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ है और दहाड़ रहा है जोर से, एकदम से उल्टे पांव, घबराता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर निकला औरंगजेब। तो जो भी उनके सुरक्षा के लिए तैनात लोग थे उन्हें कहा, जहां पना ये क्या हुआ आपके साथ, कौन है, दौड़ा दौड़ी हुई, भागा दौड़ी हो गई, पर वहां कुछ दिखता नहीं है। तो औरंगजेब बादशाह से पूछते हैं, जहां पना बताओ क्या बात है, आप आज्ञा कीजिए, क्या देखा आपने, कौन था, कुछ जीव था, कोई चीज थी, कोई मनुष्य था, कौन था? तो बोलते हैं, अरे देखते नहीं हो, शेर बैठा हुआ है सिंहासन पर, क्योंकि बाहर निकल चुका था और जाकर के लोगों ने देखा कहीं शेर कहीं है क्या, सिंहासन में भी नहीं है, नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं देखा, कहीं कोई नहीं, टटोला सब एक एक चीज को। बोलते हैं, जहां पना वहां शेर तो नहीं है, वहां शेर नहीं है। अरे मैंने शेर देखा मेरे आंखों से। बोलते नहीं है, जहां पना चले आपको लेकर के हम चलते हैं, आपको कहीं शायद भ्रम हो रहा है। अरे मेरे को भ्रम होता है क्या, मैंने देखा है प्रत्यक्ष। मानता नहीं है, फिर लेकर के चलते हैं तो वहां शेर अब तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहा जाता है जाकर के सब देखा गद्दी को, धाम की रानी थी, गद्दी को देखा, कहीं कुछ नहीं है, आप विराजमान होइए, बैठिए। जब कहा औरंगजेब को सभी सेवादारों ने, तो औरंगजेब बादशाह कहा जाता है बैठने लगा ना, उस समय अचानक सिंहासन पलट जाता है, श्री प्राणनाथ प्यारे की, पलट जाता है औरंगजेब बादशाह, गिर जाता है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए, जागो जगाओ जुगत सो, और अथवा ये कहते हैं ना, तब श्री जी ने कहा अब न छोड़ो इन्हें, इलाज करवा रहो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। श्री प्राण जी महाराज कहते हैं कोई ना कोई दूसरा इलाज करके, पता नहीं धनी क्या क्या इलाज कर सकते हैं, ये तो कह ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। तो धनी ने पता नहीं किया हो ऐसा इलाज, ये भी हो सकता है, हालांकि वर्णन ऐसा नहीं आता सुंदर साथ जी, पर हमें ये जानना जरूर चाहिए जी। जो देखी हिम्मत है श्री साहब जी के मन में, आगे अब कहां को जाएंगे विचार को हमसे। और कहते हैं बातचीत करते समय श्री प्राण जी महाराज के चेहरे पर जो जोश और हिम्मत की बातें देखी सुंदर साथ ने, बड़ा आनंद आया, और कहते अब कहां को जाएंगे विचार को हमें, और कहां जा सकते हैं, किसी तरह इनको पकड़ करके रखेंगे और इनको ये अपने आप ही इनको स्वीकार करना पड़ेगा करके ये श्री प्राण जी महाराज कहते हैं। दरगाह पंथी बात है तो आदमी मिले लाख है जी, धनी बाबे का पंथ है ये अपनी पूरे शाख है। और वहाँ पर क्योंकि वो पूर्व से पूर्व गांव के आसपास में जरगा पंथी कोई पंथ है, और धनी बाबे का पंथ कहलाता, धनी बाबा कोई है उनका पंथ कहलाता, उनको मानने वाले लोगों लोग भरपूर थे, धार्मिक लोग भरपूर थे। और कहते हैं यहाँ सुंदर साथ जी श्री मुकुंददास जी कहते हैं कि ये अपनी पूरे साख माने हमारी तरह से ही बात करते हैं, धाम परम धाम संबंधी बातें थोड़ी बहुत इनके साथ मिलती जुलती है। श्री प्राण जी महाराज यहाँ बहुत लोग रहते हैं इस गांव के आसपास, ये बात सुन के मुकुंददास पर हुआ हुक्म में, और ये बात सुनकर के मुकुंददास जी को श्री प्राण जी महाराज ने कहा क्या तू देख बातें करके उतुबलाओ हमें। अरे अरे हो सकता है उनके अंदर भी कोई ना कोई जागृत आत्मा हो, मिल जाए और जाकर के जरा अता पता लेकर के हमें बताओ। मुकुंददास मनुक चंद चले वहाँ से जब, और वहाँ से श्री प्राण जी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुकुंददास जी और उन जरगा पंथियों को जगाने के लिए मलुक चंद जी चल पड़े। भील दौड़े दिन पर भाग के छूटे तब, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। आ गए ने भील, पूर के पास में भील भी पीछे पड़े। मुझे ऐसा लगता है उस समय भील लोग रहा करते होंगे भीलवाड़ा में, इसलिए उसका नाम भीलवाड़ा, ये मेरी मान्यता, मैं ये थोप नहीं रहा सुंदर चाचा जी, सुन लीजिए बस इतनी बात, आप तो जचे तो मान लेना, क्योंकि भीलवाड़ा के पास में पूर गांव भी है।
तो अब कई बातें ऐसी होती है सूत्र रूप में बताई जाती है। आमेर से सांगनेर गए श्री प्राणा जी महाराज, उसके बाद आगे निकले हों उदयपुर की तरफ जाते समय, और बीच में भीलवाड़ा के पास में पूर्व में रुके हों, है ना। तो ये सारी बातें हमें समझने की और ये चिंतन का अथवा रिसर्च का विषय है सुंदर शाह जी। तो कहते हैं वो जरगा पंथी को जगाने के लिए श्री प्राणी जी महाराज ने कहा था, पर ऐसा हो नहीं सका। कहते हैं वहां से जब भील दौड़े तीन पर भाग के छूटे, तब भील लोग लुटेरे लोग पीछे पड़ गए जंगली लोग, और भागना पड़ा सुंदर शाह जी मुकुंददास जी और मलुकचंद जी को। उदयपुर का रास्ता उधर से ही उधर से ही है। हाँ ये भी बनता है, क्योंकि उदयपुर जाने का रास्ता भीलवाड़ा होकर के तो जाया जाता है। मुकुंददास विचार के आए उदयपुर गया। हाँ आया उदयपुर। हाँ जी गया लादू मसानी के यहाँ करी सिद्धि साहब जी की फिक्र। वो जरगा पंथी को अब देखने टटोलने की बात तो पीछे रह गई, मुकुंददास जी आगे चले गए उदयपुर, क्योंकि उदयपुर पहले से ही रहते थे। गए लादू मसानी के यहाँ, लादू मसानी धनाढ्य व्यक्ति था, धन संपन्न व्यक्ति सेठ था, उसके पास गए। करी श्रीजी साहब जी की फिक्र, श्रीजी महाराज इसी क्षेत्र में आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो कैसे क्या कुछ किया जाए, इस तरह की बातें की मुकुंददास जी ने लादू मसानी से उदयपुर पहुंच करके। उनसे आए बात करी श्रीजी साहब जी के मिला, श्रीजी महाराज आ रहे हैं, मैं मिल करके दर्शन करके आया हूँ बताया। कबूल करी उन्होंने, बुला लियाओ तुम आपे। आप इतनी बड़ी अच्छी चर्चा सुनाते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, आपकी चर्चा सुन करके हम मस्त हो जाते हैं, तो आपके गुरु कैसे होंगे, है ना। तो उनको अवश्य लेकर के आइए। ऐसा करके लादू मसानी ने बड़ी जिज्ञासा की, जब दर्शन करने की इच्छा की। इन समय मनमाली दास आए खम्बा से, संग्राम बाई गोदावरी आए पहुंची इन समय। हाँ जी मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन में, मेला मोहम्मद का हो चला खुशहाल हुआ मन में। ऐसे खम्बाल से भी सुंदर साध आ गए, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, खूब आनंद हो रहा है। श्री प्राण जी महाराज के साथ चलने का अलग ही आनंद है सुंदर साध जी। श्री भाई जी और साथ रहे आगरा में, और श्री प्राण जी महाराज ने इधर ही से आगरा भेज दिया था बाई जी महाराण जी और कुछ महिला सुंदर साध, बुजुर्ग सुंदर साध को उधर रख करके आगे चले थे। मुकुंददास आए पहुंचे पाई खबर उनसे, अभी श्री प्राण जी महाराज उदयपुर पहुंचे नहीं है, रस्ते में हैं। तो मुकुंददास जी आकर के जब वापस आते, लादू मसानी ने कहा ना श्री जी महाराज को लेके आइए, तो मुकुंददास जी वापस मुड़ते हैं श्री प्राण जी महाराज को लेने के लिए रस्ते में। लादू मसानी आया बीते इस्लाम, लालदास जी महाराज कहते हैं लादू मसानी ने तारतम ग्रहण किया है सुंदर शाह जी, तुमने बुलाया तब गई जगह रहने की ठान, रहने के लिए लादू मसानी ने अपनी जगह सुंदर हवेली श्री प्राणा जी महाराज के लिए रहने के लिए व्यवस्था बनाई। अभी श्री जी पहुंचे नहीं है, तब श्री भाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर रहे। अभी उदयपुर पहुंचे नहीं थे तो श्री जी महाराज ने कुछ सुंदर साथ को बाई जी महाराज जी और सुंदर साथ को लेने के लिए आगरा भेजा, वापस आ गए। आकर के कितनी जल्दी बातें फटाफट निकल रही है, पर कितना समय लगा होगा सुंदर साथ जी, ये 1736 के आसपास के समय की बात है सुंदर साथ जी। तो बाई जी महाराज जी को लेकर के अब उदयपुर की तरफ आगे निकल गए, साथ सब संग चले पीछे दजाले किया शोर, साथ सब संग चले पीछे दज्जाले किया शोर। दज्जाल तो शोर करता ही रहता है, अनेक तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, लोगों को दुष्ट दुख कष्ट पहुंचता है सुंदर शाह जी। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में, लादू धाए भाई के आए, मतलब लादू मसानी का भाई था, उसको भी पता चला कि श्री जी महाराज पधार रहे हैं, ऐसे महान शक्ति आ रही है ऐसा पता चला। तो लादू मसानी का भाई पहले ही जाकर के श्री जी महाराज की आगवानी करने पहुंच गया, अगुवाई करने के लिए। आदर भाव उनका किया, हुई सेवा भले उनसे, हर अच्छी तरह से भली उनसे। देखिए आएगा प्रसंग क्या सेवा हुई उस समय बताऊंगा, है ना, कैसे कैसे सेवा की होगी, क्योंकि अभी तक क्या है तो खाने पीने की व्यवस्था करने में भी कठिनाई है, कोई चीज नहीं है अपने पास, पैसे नहीं है, ऐसी अवस्था है। पर उन्होंने भली सेवा करी, तो क्या सेवा करी होगी आगे प्रसंग आने पर बताऊंगा। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंददास दही खबर रहे, हाँ, और लादू मसानी के भाई के यहाँ ठहरे, और उसके बाद उस मुकुंददास जी ने आगे लादू मसानी को भी कह दिया। आ गए श्री जी महाराज उदयपुर में, उनसे मुलाकात करी उन दिल में भाई असर रहे, और कहते हैं
उनसे मुलाकात करी, उनसे मुलाकात करी, उनके दिल में भाई असर और लादो मसाने आकर के श्री प्राण जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और श्री प्राण जी महाराज की चर्चा को सुनकर के एकदम पुलकित हो गया, आनंदित हो गया लादू मसानी। तब उन हवेली गई उतरे उठोरे और शहर के बीच में बड़ी सुंदर हवेली को व्यवस्था बना दी श्री जी महाराज के लिए और सुंदर साथ के लिए सबको वहाँ आवास दे दिया। उतरे मैंने गुजराती में उतारा कहते हैं आवास व्यवस्था को। उतरे मैंने आवास ले लिया। कहा चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिना और चर्चा होने लग गई। जहाँ श्री जी महाराज रुक गए वहाँ रुकते थोड़े हैं, चर्चा शुरू हो ही जाती है। नया मंडान होए चला असाद आवत बीच इस्लाम, आसपास के लोग जुड़ने लग गए। ऐसे करते करते सैकड़ों की संख्या में सुंदर साथ वहाँ जगे और श्री जी की चर्चा में जुट गए। हुई वेद कतिब की चर्चा इत पाया विश्राम, बड़ा आनंद मिला। वेद कतिब शास्त्र पुराण कुरान सबकी चर्चा हो रही है। अब चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर रहे, सब दीदार को आवते चर्चा सुनने। दुनिया एक व्यक्ति चर्चा सुनता है, दस को बता देता है, ऐसे करके संख्या अनेकों गुणात्मक वृद्धि हो गई। अपने साथ के लोग जो ताके चित में सन्मुख है, हाँ जी, जो साथ में चले थे उनको और भी आनंद आ रहा है, जो पीछे से श्री जी महाराज के साथ में थे। दीदार श्री जी साहब जी के बड़ो जो पाया सुख आनंद हो रहा है, श्री जी महाराज के दर्शन में आनंद है। सुंदर साहब जी राजपूत हवेली में बैठे सुनी बान है, हवेली के पास ही राजपूत रहा करते थे, दो राजपूत, उन्होंने भी चर्चा सुनी। तिनको तारतम की कछुक साजी, तारतम ज्ञान का असर उनके ऊपर भी दिखाई देने लग गया। इन समय नूर मोहम्मद सो है गई मुलाकात है। हाँ, अब मुसलमान लोग भी जागृत हो रहे हैं क्योंकि कुरान की भी चर्चा कम नहीं कर रहे हैं श्री प्राण जी महाराज साथ साथ में कर रहे हैं। तो नूर मोहम्मद करके आया और आकर के श्री जी के चरणों लगा, गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात, अच्छे से चर्चा सुना और एकदम से पिघल सा गया वो नूर मोहम्मद। एक सैयद बरात से सुनी चर्चा थी इस्लाम, शादी थी, शादी के बरात में कृष्ण कन्हैया लाल की जश्ने शादी, जश्ने शादी थी। कल मैंने सुना कि है ना शुभ विवाह लिखा होता है कार्ड में, तो मुसलमान के लिए कैसा कार्ड बेचते हो आप? कार्ड बेचने वाले सुंदर साधे हैं हमारे बीच। मैं कहा जश्ने शादी लिखा होता है जी, मैंने कहा ठीक है जी, जश्ने शादी थी, बरात में आए हुए थे कुछ लोग। हाँ, कौन से लोग थे? सैयद लोग, ये जाति होती है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, सैयद खान वगैरह ये जातियां हैं। तो सैयद लोग कुछ आए हुए थे, तो कहते हैं उन्होंने भी आकर के, क्योंकि उस समय शादी क्या है, शाम को आ गए, रात को, शाम को क्या, बराती तो ऐसे भी आते हैं कि मशीदाई खाने के टाइम पर पहुंच गए, लिफाफा पकड़ा है, जो खाना था खाया और चलते बने, ऐसा नहीं, कई दिनों तक शादियां चलती थी। तो ऐसे लोग आए हुए थे, तो शादी में कई दिनों तक करना क्या है, खाने पीने का सुबह शाम होता है, तो दिन में चर्चा सुनने जाते थे वो सैयद लोग। हाँ, बराती लोग, ईमान ले आया इन समय देख मोमिनो काम है। अरे सुंदर साहब जी, वो बराती सामान्य नहीं थे, श्री जी की चर्चा सुनने के बाद में दृढ़ विश्वास उनके अंदर भी बन गया, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति आई है, ऐसा मानने लग गए। हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन वहाँ जगे, सुंदर साथ कौन कौन तारतम प्राप्त किया, उन सुंदर साथ के नाम सुनिए। और बेखुश सोनी आई और राधा रुकमन ने, और सुंदर सोना आई कदमो मोहम्मद ने, या मया राम वास देव और आए साथ में श्री राज जी के मेहरुतरी, इत जगीशा जगदीश अमोला, इत आया के तक साथ है, चचा ओछल करते हैं जाके धनी पकड़े हाथ है। साथ जी जगह जगह से सुंदर साथ मानो धनी पकड़ रहे हो, हाथ पकड़ करके खींच रहे हो, ऐसे खींचे चले आ रहे हैं श्री जी महाराज की चर्चा में। यूं मास चार भय जो साथ चढ़े संग सुल्तान है, जिन्होंने आज करी लिखी है पहचान है, श्री प्राणनाथ प्यारे की चिट्ठी आई। चिट्ठी कहाँ से आई? जो बंधन में पड़े हुए बारह मोमिन थे ना, उन्होंने चिट्ठी भेजी श्री प्राण जी महाराज के पास में। क्या आगे बोलिए, ए शरीयत सो हम लड़े देखा है नैनो निदान है, बिना सोटे इन पर क्यों ना जावे ईमान। लिखा है श्री जी महाराज, हमने पहचान लिया इनको, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है, इनको तो लठ पड़ना जरूरी है, तभी जाकर के इनको कुछ होश आएगा।
सुंदर सा श्री जी महाराज करके चिट्ठी भेजी है। निके हम देखिया इनको नहीं मान, ईमान इनमें नहीं है। सुंदर सा जी अच्छे से हमने देखिए तो, निके मैंने अच्छे से तो पैगाम को फेर दिया, सुने ना हुक्म सुभान। और इसीलिए पैगाम को फेर दिया, मैंने इतने बड़े संदेश को लेकर के हम आए और देख करके अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं की, वापस कर दिया। अब हमारा देखते हैं जो हमको आए हुक्म में। श्री जी महाराज आपकी आज्ञा हो तो जिन माफक हम करें, जैसा लिख भेजो तो आपकी जैसी आज्ञा, जो कहेंगे वैसा हम करना चाहते हैं, आज्ञा कीजिए। श्री जी को पत्र लिख करके भेजा है सब पारमिनों ने, तब पाती लिखी उन पर उठ के आई हो तुम। श्री महाराज ने पत्र लिख दिया, अब वहां रहने की जरूरत नहीं, चिट्ठी पाते ही तुम लोग वापस आ जाओ करके मोमिनों को श्री जी ने चिट्ठी भेजी है। छोटा होएगा कादर के हुक्म में, छोटा छोटा तो आप लोग पंजाबी में भी बोलते हैं शायद, छोटी छोटा बने लाठी नहीं डंडा, डंडा पड़ेगा इनके सिर पर सुंदर शाह जी। हाँ, कादर के हुक्म से मैंने, समर्थशाली परमात्मा की आज्ञा से, उनकी इच्छा जैसी होगी इन पर अपने आप डंडा पड़ने वाला सिर पे। पाती शेख बदल ले आया दिल्ली बीच मोमिन में, ये पत्र लेकर शेख बदल भाई दिल्ली पहुंचे मोमिनों के बीच में। सुनकर सुख पाया दिल हुआ रोशन, पत्र को देख करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। श्री जी के अक्षरों में आनंद है, और वैसे भी वहां छोड़ करके आने के लिए बोल रहे हैं श्री जी महाराज। हाँ बड़े शेख इस्लाम के हमको राजा दो तुम। ए काजी साहब कितने दिन रखोगे, खर्चा तुम्हारा ही बढ़ रहा है, जाने दो अब हमें। हम जानेंगे अपने ठहरे, हमको करो हुक्म में, हमें जाने दीजिए, हम अपनी जगह चले जाएंगे, हुक्म करवाओ करो। तब काजी ने कहा मैं राजा कराऊं सुल्तान है, क्योंकि आसान नहीं है रजा देना, छुट्टी देना। तो उसने कहा मैं सुल्तान से पूछता हूँ, तुम परसों आई हो आम खा सुनाऊ का। हाँ मैं जाकर के एक सुल्तान औरंगजेब बादशाह से पूछूंगा, वो आज्ञा करते हैं, वो हुक्म देते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ, पूछ लेता हूँ परसों आना। तब एक दिन भी डाल के ले चला हजूर है। हाँ, और परसों का मतलब एक दिन बीच में डालना ही था, एक दिन के बाद मतलब एक दिन बीच में डालकर परसों के दिन लेके चला हजूर, साथ ही लेके गया। सुल्तान सामने ठाड़े किए, आप हजूर किया मजबूर है दाम के धनी की। सुल्तान सामने ठाड़े किए, दोबारा सुल्तान के सामने 12 मोमिनों को लेकर के काजी चला गया हो, और हजूर किया मजकूर, आप हजूर किया मजकूर, बातें हो गई वहाँ। क्या बात हुई औरंगजेब बादशाह से, ए विदा होता है जात अपनी ठौर को। काजी कहता है जहाँ अपना ये जो है ना, ये जाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मोह, और आपके साथ जो जोर जोर से बोले थे ना आज से 4-1 महीने पहले, वही लोग हैं ये, जहाँ पना आप ये जाने की बात कर रहे हैं, क्या करें। तब काजी ने कहा ए मोमिन उस दिन ने तुमसे जिन मजबूर किया लिया ईमान मोमिन ने, और ईमानदार लोग थे, हमने छानबीन करके भी पता किया, और मोमिन है ये, और मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आपके सामने आकर के बोले थे और आपने छानबीन करने के लिए इशारा किया था, वही लोग हैं, अब जाने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। देखा सामने सुल्तान ने 3 बेर फेर और सिर नवाया, काजी की बात सुनते हुए सुन ली न बात, और सामने देखता सिर निमाए देखिया, विचार करता है सिर झुका करके, फिर 3 बार ऐसे देखा, सिर झुकाता है फिर 3 बार देखता है। सुंदर शाह जी ऐसा मत कहिएगा कि इसको पता नहीं चला, इसको पता चला। और पर मायावी प्रभाव कुछ ऐसे होते हैं, है ना, अपने आप को बड़ा मानने वाले, अपने आप को सहयोगी मानने वाले लोग कई बार गलत कर जाते हैं। जो चमचे थे, मैं इनको चमचे शब्द कहता हूं, उन लोगों ने कहा कि जहां पना ये ऐसे आपको पूछने की और आपके सामने आमने सामने होकर बात करने के लिए ठीक नहीं है, ये षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, आपके जान के लिए खतरा हो सकता है, पता नहीं किसने भेजा है शत्रु ने, ऐसा करके भर दिया। और उसके साथ साथ इमाम के प्रकट होने पर, है ना, इमाम मेदी प्रकट कब होते हैं, जब क्यामत का समय होता है। क्यामत का समय आने पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा और सत्ता भी हाथ से चली जाएगी। इनको जाहिरी अर्थ इनको समझ में आती थी, इसीलिए उस कारण से, क्योंकि कई बार आप लोग आज भी देखते हैं कुछ काम अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर करने नहीं दिया जाता है। राजनीति में बहुत अच्छे काम है, देश के लिए बहुत भला है, जनता के लिए बहुत भला है, पर करने देते नहीं है। क्यों? यदि ये काम होगा तो आमदनी का स्रोत है ना, विटामिन एम
जो काले कलर का होता है, जो समझ गए ना, वो मिलना बंद हो जाएगा है ना, और विटामिन ना मिले तो फिर ताकत कहां से आएगी हमारी। तो अफसर लोग, आगेवान लोग होने नहीं देते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, उन चमचों ने, कि ये औरंगजेब बादशाह उस साधु के, उस फकीर के बस में आ जाएगा तो हमारी तो, हमारा तो सत्ता से कहीं हाथ धोना ना पड़ जाए, जो मलाई खाने को मिल रहा है वो मलाई छूट न जाए। इसीलिए उन्होंने औरंगजेब बादशाह को रोकने का हर तरह से प्रयास किया। आज औरंगजेब बादशाह की ये स्थिति देख करके हम ठोक के कह सकते हैं कि वो हिल तो गया है अंदर से। और बाद में कहा जाता है, भटकते हुए, ऐसा कहा जाता है, बुंदेलखंड के जंगलों में भटकते हुए फकीर की खोज में, वो इमाम की खोज में। और आपको ये भी बता दें, पुरदल खान को कह दिया था, सिख इधर गया था ना रामनगर में, पुरदल खान को कह दिया था, वो कौन है अच्छे से पता करके हमें बताओ। वो हिला हुआ तो जरूर है, उसको अंदर से मैं यूं कहूं कि 60-70% तो विश्वास हो चुका है, पर 30% भारी पड़ गया अभी। 100 रुपया खर्च देने का क्या हुक्म है? और देखिए, औरंगजेब बादशाह ये हिंदू हैं, ये पता भी है, सारी चीजों का पता होते हुए हिंदुओं के गले में तलवार चलाने वाला, सिर को धड़ से अलग कर देने वाला, चोटी और जनेऊ को तौल के खाने वाले की बातें ऐसी सुनाई देती है विद्वानों के मुखारविंद से। ऐसा व्यक्ति हिंदू है और सामने आए हैं और देख रहा है और 3 बार सिर झुका करके विचार करते हुए ऐसे देखता है, और ऊपर से निकलते समय खर्ची भी देता है, पैसे भी देता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है, आंदोलित हो चुका है हृदय उसका, हिल चुका है उसका हृदय। सुंदर शाह जी तो कहते हैं, देखिया सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर दिन शिर नवाए देखिया, आदर के साथ में सिर नमा करके, राजा सुल्तान औरंगजेब बादशाह विश्व का प्रसिद्ध बादशाह है, वो सिर नमा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सिर नमा रहा है तो इमाम को याद करके सिर नमा रहा है, इमाम मेदी को, ते दे खुदा इनको खैर, और बोलता है हे खुदा, या खुदा खैर करो, इनायत करो इनके ऊपर, कृपा करो, ऐसी भावना उसने जाहिर की हो, ये सामान्य बात नहीं है। सुंदर शाह जी 100 रुपया खर्च, उस समय 100 रुपया मैंने आज लाखों रुपए की तरह से सुंदर शाह जी देने का किया हुक्म, इनको खर्च दे दो जाने के लिए। शिताबी ले दौड़िया ले मोमिन हो तुम मैं, और काजी ने 100 रुपये की व्यवस्था रखी और तुरंत उनको दे दिया। और क्या हुआ, जब राजा दही सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, परमात्माओं को खुशी होनी थी, आज सुनने की स्थिति थी नहीं, इसीलिए वहां से जाना चाहते थे, 100 रुपया देकर के सम्मान विदाई दी, विदा हुए चले रहे एक दूसरे दिन में। हाँ, 2-4 दिन जो लगते हैं सुंदर शाह जी वहां से चलने पर लगे, और कहां पहुंचे, पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राजे, श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में। 4 महीने बाद में ये 12 मोमिन, 12 में मैं कहूंगा 10 मोमिन विशेष करके है ना, इसमें कांजी भाई हैं या शेख बदल भाई हैं, उनका आना जाना बीच बीच में होता रहा। ये 10 जने विशेष करके, उसमें लालदास जी महाराज भी हैं, दयाराम भाई भी हैं, अनेक सुंदर साथ हैं ऐसे है ना, खिमाई भाई भी बुंदेलखंड के हैं, खंबाल से कौन थे, हाँ सोमजी भाई है ना, वो ये सब, ये 10 जने विशेष करके 4 महीने से श्री जी के चरणों के दर्शन नहीं हुए थे, आज 4 महीने बाद में श्री जी के चरणों में पहुंचे, तो जयकारा तो बनता है ना। श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धने की जय। भेष बदल शामिल भय फैसलाम के काज, हार कहते हैं भेष बदल शामिल, क्यों मुस्लिम भेष में है ना, अब क्या जरूरत है, काम था बदल लिया, अब काम हो गया वहां से निकल गए, अब वेश बदल लिया और संत वेश में आ गए, और कहते हैं वह इस्लाम के काज धर्म के कार्य में जुट गए श्री जी के चरणों में। एक लक्ष्मण भीम भाई श्याम दास खिमाई, अच्छा कौन कौन थे उन्हें मुख्य नाम बोलते हैं, एक लक्ष्मण थे, लक्ष्मण कौन है अच्छा पता है, मैं कंफ्यूज था, आपने सही बता दिया, ठीक है जी, लालदास जी महाराज का लक्ष्मण सेठ भी तो था ना नाम है ना, तो लक्ष्मण बने लालदास जी महाराज, और उसके बाद भीम भाई, श्याम दास, खिमाई, सामलदास, गरीबदास और लालबाई, श्याम बाई, राम राय,
ये आए पहुंचे कदम मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपी आत्म समर्पित हो गए श्री जी के चरणों में। इन समय उदयपुर में बड़ा भया चर्चा को जी महाराज की चर्चा बढ़ने लग गई। सुंदर साथ बहुत संख्या में इकट्ठे होने लग गए। दर्शन राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जो अरे 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 श्री जी चर्चा करें स्वयं ऐसा लगता है श्री जी की चर्चा में राजी महाराज स्वयं दर्शन दे रहे हूँ। सात आहोर का आया और मोटी बाई हाँ कौन कौन सुंदर साथ जगह आसपास के गांव के भी आहेड़ गांव है वहाँ के सुंदर साथ मोटी बाई भी आ गए। मस्करी राज सो करे खुशखबरी राज सो पाई और बड़े वो खुश मिजाज माता थी आकर के श्री जी महाराज की चर्चा सुनती और श्री जी को कभी कभी हंसा देती खुश करती। राणा ने बात सुनी अपनी मजलिस में हाँ उदयपुर में राजा था राज सिंह राणा करके उसने ये बात सुनी कोई साधु आया है और दुनिया दौड़ दौड़ के जा रही है मानो मधुमक्खी रानी मक्खी के चारों तरफ घेर के बैठती है वैसे। नित्य लोग आए कहे अस्तुत निंदा सुने और राजा के दरबार में बातें होती थी उन श्री प्राणी जी महाराज और सुंदर साथ की जमात के विषय में कहते अस्तुति निंदा ये सुने स्तुति निंदा स्तुति भी करते थे बहुत बड़े संत कहने वाले भी थे और कुछ निंदा करने क्या कहे सुनिए तो कहे बड़े साथ हैं इनके अनंत लोचन में। अरे 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 इनकी दृष्टि ये तो ब्रह्म स्वरूप है कोई हजार आंख वाला क्या है कोई हजार आंख वाला एक भजन है ना और मैं अब वैदिक मंत्र कहूँ तो सहस्र सी रेखा पुरुख सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुंग विश्वतु मृत्युआ त्यतिष्ठ तसांगुलम सहस्र सी रेखा सहस्र हजारों सिर हैं उसके और हजारों सिर में कितने उतनी डबल आंखें हैं ऐसे और उन आंखों से सबको देखता है पुरुष माने परमात्मा वेद कहते हैं सुंदर साथ जी ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं इनके तो अनंत लोचन है दुनिया कहती है। कोई कहे ठग है इनो भेक धरा मोमिन और कई लोग ऐसे दुष्ट लोग भी हैं ये साधु नहीं ये संत नहीं ये कोई ठग भी हो सकते हैं ऐसा बोलने वाले भी थे और साधु वेश में आए हैं कोई धाम के धनी की सीधा बैठे बहन जी कोई कहे मुसलमान है भेजे हैं सुल्तान है कोई तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिना पहचान है। मैं थोड़ा अटपटा हूँ आपको तकलीफ होती होगी बैठे बैठे तो आप ऐसा करते होंगे और पर ऐसा करते करते कुछ काम और होने लग जाता है ना इसीलिए मैं सीधा बैठने के लिए कहता हूँ क्या काम होता है समझ गए ना बहन जी। हाँ आपके लिए कह रहा हूँ जो आंखें कुछ कर रहे थे दोनों आंखें थोड़ी साथ साथ में बंद हो रही थी मैं समझता हूँ कि आप उदयपुर पहुंचे हैं श्री प्राण जी महाराज के अंग संग चलने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान में है और यहाँ कथा में आंखें बंद करके कथा नहीं कथा आंखें खोल करके ध्यान कीजिएगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। कोई कहे मुसलमान है कोई भेजे सुल्तान है सुल्तान ने भेजा है मुसलमान है और क्योंकि देखा ना 10-12 मोमिन आए थे ना और वेश बदला ना तो ये पक्की बात है दिल्ली से आए थे लोग और ये मुसलमान है और इन्होंने यहाँ संत वेश बन करके यहाँ आए और राजा के साथ षड्यंत्र करके राज हथियाने के लिए आए हैं ऐसा बोलने वाले लोग भी कम नहीं थे। कोई कहे कुरान पढ़ते कोई कहे वेद कते इन भात राणे आगे बात बतावे एव इस तरह से बातें सुनाते हैं। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तुम में वहाँ कैसी चर्चा होता है सुनाओ सारी हम में। बढ़िया प्रसंग है सुनिए पंडित क्योंकि दरबार में ज्ञानी जन की कमी नहीं होती और कैसे ज्ञानी थे पंडितों को भेज दिया है पंडित जनों जाइए आप लोग जाएं लो आदर के साथ में जाइए और जाकर के वो संत कैसे किस टाइप का है कैसी चर्चा करते हैं क्योंकि ज्ञान की चर्चा तो आप लोग ही समझेंगे ना विभाग है ना ये विज्ञान का विभाग है धर्म का विभाग तो पंडित जन ही समझ सकते हैं इसलिए जाइए छानबीन करके हमें बताइए। वह तो थे पिटार छू इन्होंने ही काम आत्म में हे लालदास जी महाराज फिर छोड़ते थोड़े ये दो डालते हैं अच्छे से वो तो पेट पालने के लिए थे नाम के पंडित थे काम के थे नहीं पंडित मने ज्ञानी होता है मैंने कहा है पंडित मने केवल ब्राह्मण नहीं है हम लोग तो ब्राह्मण को पंडित बोल देते हैं ज्ञानी को पंडित कहा जाता है ब्राह्मण मात्र पंडित नहीं होता है ज्ञानी हो ब्राह्मण हो तो वो पंडित है। तो ये पंडित कैसे थे पेटार्थु थे केवल धन कमाने के लिए परिवार का लालन पालन करने के लिए है ना और चमचों की तरह से उनके तलवों को चाटने के लिए थे। हाँ जी देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब दो तुम ये आत्म कल्याण आत्म ज्ञान को
जानने वाले थोड़े थे सुंदर शाह जी, तो देखी चर्चा बड़ी, क्या जवाब दोगे तुम में? दो चार पंडित गए थे, देखते हैं, अरे दिव्य चर्चा हो रही है, यहाँ तो साक्षात्कार हो रहे हो, ऐसा उनको अनुभव हुआ। अब जाकर के राजा को कहोगे तो क्या कहोगे? भाई आपस में बातें कर रहे हैं। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए, कान जी इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। आगे बोलिए तो जवाब न आवे उनको दिया न जाए उत्तर। श्री प्राणा जी महाराज को पता चला, सुंदर साथ को पता चला कि राज दरबार के महापंडित हैं। महापंडित मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी, गाली है महापंडित तो। एक पंडित शब्द ही अच्छा है, महापंडित नहीं बोला जाता है, संस्कृत में गाली है ये। और कोई थोड़ा सा संस्कृत जानने वाला का आप तो बड़े महापंडित हो बोल दिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ कुछ शब्द बोलते समय ध्यान रखना होता है। और कभी ऐसा भी नहीं कहना देवानाम प्रिय, देवानाम माने परमात्मा का मतलब देवताओं का प्रिय, गलत तो नहीं है ना, पर गाली है ये संस्कृत में। देवानाम प्रिय भी नहीं कहा जाता, देवानाम माने देवताओं का प्रिय, और महापंडित भी नहीं कहा जाता, मूर्ख को कहा जाता है महापंडित। तो ये थे तो महापंडित ही। कृष्ण कन्हैयालाल की गुजराती में डायो माने बुद्धिमान, डोड़ डायो कह दिया तो खत्म। डोड़ डायो, डोड़ डोड़ माने डेढ़ यार, डाया माने एक, एक बुद्धि से संपन्न बुद्धिमान कहा जाता है। अरे डोड़ मतलब डेढ़ा बुद्धि है तो बहुत ज्यादा बुद्धि हो जानी चाहिए ना, पर गलत हो जाता है उसका भाव। अरे तमें जाइने जीवो डोड़ डायो छे हो पेलो, मूर्ख है बहुत बड़ा, ये कहने का मतलब होता है। तो यहाँ 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों को हमको कर दे पहचान। पंडितों को कहा, अरे पंडित जनो आप तो राज दरबार के पंडित, बड़े ज्ञानी प्रकांड ज्ञानी पंडित जन हैं, आप ये प्रश्नों का जरा जवाब दीजिए करके श्री प्राणा जी अथवा मोमिनों ने उनको प्रश्न किया तो क्या हुआ? जवाब ना आया उनको, न दिया जाए उत्तर, तब सब मिलकर विचार ही करने लगे फिक्र, अरे 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 इतने भयंकर प्रश्न कहीं अता पता नहीं है हमें, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? ऐसा साधु हमारे ऐसी तैसी करा देगा। और ये बात यदि दरबार में पहुंच गई कि प्रश्नों का जवाब पंडित जन नहीं दे पाए तो राजा तो हमारी छुट्टी कर देगा। तो बुरे रागी हमारा भानेंगे रोजगार है धाम के धनी की। उन मूर्खों ने क्या सोचा कि ये तो बुरे बैरागी बने, ये इतने ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान के सामने हम जुगनू की तरह से भी नहीं टिमटिमा पाएंगे, इसीलिए ऐसे बैरागी का सही बात हमें राजा को कहनी नहीं चाहिए। सही बात कहेंगे तो राजा भी नतमस्तक हो जाएगा और हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, इसीलिए इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो खबर। आपस में सलाह करते हैं, हमारी तो रोजगारी खत्म हो जाएगी, इसीलिए इनकी निंदा कर लेनी चाहिए। इनका बड़का ब्रह्म जब गर्व स्तुति करी। हाँ इनका बड़का भाव लाल दासी महाराज उतर आए, अब इनके पीछे सीधा बैठिएगा। तो कहते हैं क्या होता है कि आपने सुना है ना, ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण इस धरा पर आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने गर्भ की अवस्था में स्तुति की थी। गर्भ स्तुति आती है वेद में, उसमें भागवत में बहुत लंबी चौड़ी है और बड़ी पवित्र भाव से उसको पाठ करते हैं ज्ञानीजन सुंदर शाह जी। गर्भ स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने और फिर बाद में जब जन्म हुआ बड़े हो गए और परीक्षा लेने आ गए अकल के दुश्मन ब्रह्मा जी भी, अकल के मारे परीक्षा लेने आ गए और आ गए, देखने आए थे वैसे तो, दर्शन करने आए थे, पर देखा ये तो खा रहा है, ग्वाल बाल के साथ में है, गंदे गंदे ग्वाल बाल हैं, थोड़ी चमक होते हुए भी ये तो इस ग्वाल बाल के जूठन भी उठा के खा रहा है। ये जिसकी प्रति मैंने प्रार्थना की थी कहीं गलत ना हो गई हो, परीक्षा जरा ले लेता हूँ, गायों को चुरा लिया और फिर बाद में ग्वाल बाल निकाल की गाय बछड़े तो दिख नहीं रहे, कन्हैया क्या होगा? वो उधर ढूंढने चले, कन्हैया ने कहा मैं ढूंढ के आता हूँ, कन्हैया चले गए तो इधर से ग्वाल बाल को भी उठा दिया। और बाद में तो है? क्या हुआ आपको पता ही है, एक साल बाद में देखा वैसे ही ग्वाल बाल, उससे भी सुंदर, उससे भी सारी व्यवस्था अच्छी हर तरह से हो रही है और फिर नतमस्तक होने लग गए। कौन थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही तो ब्राह्मण बने सुंदर शाह जी, इसीलिए इनका बड़का ब्रह्मा, बड़का मैंने बड़ा, इनका आगे वन पहले का
गर्भ स्तुति करी और फिर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी दिल धरी। परीक्षा उसकी की जाती है जो अपने से छोटा है, है ना। आपने कभी देखा है टीचर की परीक्षा विद्यार्थी लेने लग जाए तो उल्टा काम हो जाएगा। टीचर परीक्षा लेता है विद्यार्थी की, जो छोटा है शिष्य है उसकी परीक्षा ली जा सकती है, और जमाना तो उल्टा आ ही सकता है। कभी कभी शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लग जाए, बड़ी बात है सुंदर शाह। गर्भ में पहचानिया, ये ब्रह्मा जी वाली बात हो जाएगी, ध्यान रखना। गर्भ में पहचानिया, भूल गया बाहर रहे। हाँ, गर्भ में पहचान लिया और बाहर निकलने के बाद में भूल गए। सो भूल आज लो सब में भई जाहिर रहे। अरे अरे, वही भूल करने वाले ब्रह्मा है ना, इनके पैतृक लोग हैं, पिता पितृ लोग हैं, उन्हीं के ये वंशज हैं, ये आए ये पंडित लोग। दूसरे ऋषियेश्वर करते थे जगन ने। दूसरी बात है हनुमान ऋषियेश्वर, आपको पता है ना, ओई ओई उसकी ब्रज की बातें हैं। जब ग्वाल बाल जंगल में गाय चराने के लिए गए तो कुछ ले जाना भूल गए और सबने भूल दिया, भुला दिया। आज कुछ खाने की चीज नहीं, भूख लगी तो वो स्वाहा स्वाहा आवाज आ रही थी वृंदावन में, तो श्री कृष्ण ने कहा ये स्वाहा स्वाहा की जो आवाज आ रही है ना, पक्का है वहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें मिल सकती, जाओ मांगने जाओ, मांग करके ले आओ। जब गए तो वो स्वाहा करने वाले, वही वाली बात है ना, पति की पूजा करती थी, पति की फोटो की, पति आ गया दरवाजा खटखटा रहा है, नहीं नहीं अभी रुको मैं पूजा कर रही हूं, कि खोलना चाहिए दरवाजा। पतिव्रता स्त्री पति के फोटो की पूजा कर रही थी, परदेश गया था पति, तो आ गया। हाँ, साल भर बाद में घर पहुंचा, वो खटखटाता है दरवाजा और पता चल गया पति है, वो पूजा कर रही थी अंदर फोटो की, तो क्या करना चाहिए, छोड़ करके पति को ले आए ना। वो पति तो स्वयं आ गया ना, फोटो की पूजा तो सामान्य बात हो गई ना, पर पत्नी ये कहने लग जाए अभी रुको अभी आधा घंटा लगेगा मुझे, तुम्हारी पूजा कर रही हूं अंदर। कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये यज्ञ हवन तो परमात्मा को पाने के लिए किया जाता है, पर परमात्मा के लिए स्वयं आ रहे हैं कोई, है ना, परमात्मा स्वरूप स्वयं ग्वाल बाल आए, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, कौन थे यज्ञ हवन करने वाले, वो ब्राह्मण, वो चौबे लोग तो थे मथुरा के जी। अनमांगा तिन पे वह रहे कर्म में मगन, और कर्म में मगन, कर्म कांड में लगे रहे। अन्न मांगा सुनाई नहीं उन्होंने। और वास्तव में हवन कहाँ किया जाता है, अग्नि में ना, अग्नि में अनाज हविष्य वगैरह को डाला जाता है, उसको हवन कहा जाता है। पेट में क्या है, पेट में क्या है, अग्नि नहीं है, गर्मी है ना अंदर। एक दिन एक बहन कहने लग गई मेरे को, महाराज जी रोटी ठंडी हो गई, मैंने कहा भट्टी है अपनी, चिंता मत करो, अपना माइक्रो ओवन अंदर है, अंदर गर्म अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो, अंदर अग्नि है। और इसमें आहुति देनी चाहिए, और आहुति के समय घी जरूर होता है। कृष्ण कन्हैया हमें मत करना है, जागरण मत करना, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता, ऐसा घी खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और जयपुर में तो मुश्किल ही है। एक आध टाइम खाना हो तो अलग बात है, कल हिसाब मैं भूल ही गया कितने घरों में गया, अजी लेना पड़ेगा। ये तो खास महाराज, ये आपको पसंद है पता चला, मैंने कहा सब कुछ पसंद है पर पेट को पसंद नहीं है, आज थोड़ा सा अपसेट है पेट। तो सुंदर शाह जी आज इनके यहाँ जाना है, आग्रह ज्यादा न करना प्लीज। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भाई सौ बातें में, और स्त्रियों ने माताओं जयकारा बोले आपके लिए श्री प्राणनाथ हरे की। तो क्या हुआ, कृष्ण ने वापस भेज दिया था, अरे जाओ जाओ तुम लोग ऐसे नहीं, हाँ माताओं से कहो तो गोपियों से कहो। तो उन्होंने देखा अरे कृष्ण के लिए खूब लुटाया उन्होंने, तो माताओं का की इज्जत बढ़ा दी उन लोगों ने। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता आगे मोमिन में। अरे अरे ये सारी बातें सुनने में आती है ना, आप सब सब भक्त लोग सुनते हैं कथा के माध्यम से इन चीजों को, ये इन्हीं इन्हीं ब्राह्मणों की बात है। भेगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान। एक बार ब्रह्मा जी भृगु ऋषि भृगु इतने बुद्धिशाली तपस्वी, अकल कभी कभी बिगड़ जाती है तो क्या 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 करता है, देखते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें बड़ा है कौन, बड़ा है कौन, तो परीक्षा लेने लग गए भगवान की कौन बड़ा हो सकता है। तो जाकर के क्या किया इनका, क्या कहते हैं भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, भगवान विष्णु के बड़ा है कि नहीं, कितना गुस्सा करता है क्या करता है, उठा के लात मारी जमा करके।
तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण कन्हैया लाल की, ये तकिया मत लगाइए, ये तकिया होती है फिर तकिया में तो नींद आएगी ना, है ना। और इतनी बड़ी बात सुन रहे हैं आप, पता होना चाहिए थोड़ा सा शास्त्र की बात है। तो इन्होंने क्या किया था, लात मारा था जमा के भगवान विष्णु की छाती पर, और इसलिए विष्णु का नाम भृगु लांछन भी कहा जाता है। आज भी आप ध्यान से देखिएगा, भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी तो उनकी छाती पर पांव का निशान होगा, वो भृगु का मारा हुआ है। भगवान को भी लात मारा भृगु ब्राह्मण होकर के, और उसी के ये वंशज है, उन्हीं के ब्राह्मणों के। ये कौन थे, ये पंडित लोग। श्री जी महाराज के दर्शन होकर के निहाल हो जाना चाहिए अपने आप को, और वहाँ विरोध की निंदा की बात लेकर के गए जी। ये इनकी नस्ल है असल माफक पैसा, अरे अरे उन्हीं की नस्ल है ये, जैसी नस्ल है वैसा ही तो होगा बुद्धि, ध्यान रखिए सुंदर साथ जी। इन्हों जाहिर आने आगे लगे निंदा करने, जाकर के राज सिंह राणा के राजा के पास भी जाकर निंदा करने लग गए। वैरागी किसी ना काम के कबू ना, अरे अरे दर्शन, अरे देखना भी नहीं चाहिए आप, टूटी आँख से भी नहीं देखना चाहिए, ये वैरागी बेकार के है। और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, श्री जी के विषय में सुंदर साथ के विषय में ऐसा कहा, और दूसरे अंकुर तैसी आओ तो बुद्ध, जैसे अंकुर वैसी बुद्धि होती है ना, इस वास्ते रहने को कछु न भाई शुद्ध है। और खाने पीने मौज मस्ती में रहने वाले राजे महाराजे कहां ये सब चीजें विचार करते हैं, उल्टा सीधा खान पान वाले है ना, जिसका जैसा अंकुर वैसा ही तो वो कर सकता है। मान लिया चुपचाप बैठा रहा, दर्शन करने नहीं गया, अकल का दुश्मन राजा था। यूं करते एक दिन राजा चला ताल पर, इस तरह एक दिन अचानक घूमने फिरने के लिए ताल पर उसके तालाब, मेरे ख्याल से उदयपुर मैं गया नहीं हूँ, आप लोग तो जाते ही रहते हैं, आपका अपना है ना, है फतेह सागर तालाब का शहर माना जाता है मेरे ख्याल से उदयपुर, वहाँ तालाब के किनारे पर घूमते हुए निकला था। कौन से जी साहब जी कहा चले, श्री भाई जी रहे साथ खातर रहे, झीलों की नगरी, बस तालों की नगरी झीलों की नगरी कहलाती है। तहां जाए के एक बहते साहेब जी तहां चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर, कहते हैं बाई जो महाराज जी और श्री जी महाराज चल रहे थे उस तालाब के किनारे, सुनिए, और राजा भी आया है उस तालाब के किनारे, क्या हुआ। यूं करते एक दिन राना चला ताल पर, श्री जी हाँ हो गए, आगे बोलिए आगे बोलिए। तहां जाए एक हवेली में डेरा किया, हाँ वहाँ पर तालाब के किनारे एक हवेली में रहने की व्यवस्था बनाई श्री जी महाराज और सुंदर साथ के लिए। लोग आवे चर्चा को, हुआ आनंद बड़ा बड़ा, श्री जी महाराज की चर्चा में आनंद हो रहा है सबको। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे इशावे जी, आगे सब साथ पर खंडी जोर हुई अनेक बाबे। अवगुण मन में प्रभावित करने वाले, मन को नकारात्मकता की ओर ले जाने वाला, हाँ नेगेटिव पन में ले जाए, ऐसी कोई चीज क्या क्या है हमारे पास, विचार करने लग गए क्योंकि हाँ बोलिए आगे। एक बदलाए सबन के शरणी पहनाई कानन ने, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबके वेश बदलाए, सबके वेश बदलाए, हाँ वेश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैं क्रीज व्रिज बना के बैठू अभी, तो मैं अपना ध्यान ज्यादा कपड़ों में दूंगा, है कि नहीं, लीलेन और ये पहन के बैठू, महंगा कपड़ा, मतलब नाम नहीं लगना चाहिए, वैसे पहने आप कोई दिक्कत नहीं। तो सत्संग में, चर्चा में, धर्म क्षेत्र में, प्रवचनों में, ज्ञान चर्चा में जाना है तो ऐसे कपड़े पहन करके आप बैठेंगे तो आपका ध्यान ज्यादा जाएगा नहीं आपकी चर्चा की तरफ, मन बार बार कहेगा कि तेरे कपड़े कहीं दब न जाए, उठने पर यूं हो जाता है ना, ऐसा ना हो जाए, इस इधर ध्यान। और मैंने देखा है जो माता बहन खास करके, सॉरी बुरा नहीं लगाना हा, क्योंकि स्वभाव ये परमात्मा का दिया हुआ होता है, जो माता बहन थोड़ा सा अपने आप को बना बनठन करके आने की कोशिश करती है ना, हर किसी को आती हुई माता को देखती है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि मेरे सामने सबकी नजर है ना, हम लोग जहां बैठते हैं स्टेज में, माता बहने बहुत देखती है क्या पहना है। एक दिन तो एक माता ने मेरे को कहा, महाराज जी वो आई थी ना एक वो ब्लू सूट में, मैंने कहा यार भाई मैंने किसने कौन से कलर का सूट पहना, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे हमें ध्यान नहीं होता, भाइयों को ज्यादा नहीं होता, उसमें भी हम तो साधु ठहरे, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। तो सुंदर साहब जी मंदिर गुरु स्थान में जाए तो भद्रता के साथ में जाए, सरल सादे वस्त्र पहन के जाए, हाँ ये ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ पा सकेंगे। आप शो ऑफ करने जाते हैं तो सॉरी ऐसा ठीक नहीं है, मैंने सुना है
अब तो नहीं, पहले सुना था कि माताजी बुरा नहीं मानना हा कि वित्त का समय आ जाए तो 8-10 सूट तो तोड़ ही लेते हैं पति से, 10-1 सूट के लिए। और करनाल का मेला हो जाए, मैंने देखा, वो विचार किया, पंजाबी सुंदर साथ बहुत घूमने के लिए शौकीन क्यों नहीं है, पता चला मेरे को इतने मोटे मोटे अटैचे, दिन में 3 तो कम से कम, 4 हो ही जाते हैं, बदलने पड़ते हैं कपड़े। और गुजराती सुंदर साथ घूमने के बड़े शौकीन, 3 महीने की यात्रा फटाफट कर जाते हैं, 1 कपड़ा पहनने का, 2 कपड़ा थैले में डाल लेंगे, कंधे में डाल लेंगे, चल देंगे। बड़े अटैच, बड़ी बड़ी अटैचियां, अटैचे ऐसे तो होते ही नहीं। और हमें 4 दिन के लिए कहीं जाना हो तो कितना, तो वस्त्र प्रभाव डालता है सुंदर साहब जी। कहीं पार्टी आदि में जाओ तो जाओ, कोई बात नहीं, पर धर्म क्षेत्र में जाओ, गुरु स्थानों में जाइए सुंदर साहब जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्हीं चीजों को शो करने के लिए नहीं हमें जाना चाहिए, है ना, ये भाव अच्छा नहीं होता है सुंदर साहब जी। श्री जी महाराज ने सबको खंडनी कर करके उनके अंदर जो भी वस्त्र ऐसे चकाचौंध वाले वस्त्र थे, सबको क्या किया, वेश बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन ने। श्रवणी क्या होती है, कंठी देखी है, कईयों ने देखी ही नहीं होगी, इसको कंठी कहते हैं। और इसको धागे में पिरो करके, ये तो गले में पहनने के लिए, कान में कुंडल की तरह से कंठी पिरो करके पहने जाए, उसको श्रवणी कहते हैं। कान में कंठी पिरो करके पहना दिया, वस्त्र बिल्कुल सादे वस्त्र दे दिए जी। और साज सब फकीर सो दिया हाथ मोमिन ब्रह्मात्मा को, ये सब पहनने के लिए सुंदर साथ के लिए कह दिया। आगे बोलिए, मन मेरा लग यार फकीरी में, मन लग मेरा यार फकीरी में, जो जो सुख है राज भवन में, जो जो, जो सुख है राज भवन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, रोए धोए राजीव है नाच कूद हुए खुशहाल है। सीधाई कह दिया कपड़ा छोड़ने में, मेरे को भी हुआ था जब मैं भिवानी आया था ना, शुरू में राधिका दास जी महाराज जी गुरु जी थे, तो हम गुरु जी कहते थे उनको, तो उन्होंने बुलाया, ए वो कल आया था ना छोरा, उसको भेज भाई। मैं तो सूटेड फुटेड था, पैंट वेंट में जींस वींस पहना हुआ, और ये तो घना ही ऊंचा है भाई छोरा, तो बोले लंबा है ये तो लंबा, बड़े वाला वो उदे लट्ठा कपड़े का, वो कच्चा लट्ठा होता है ना, उसको ठा फाड़ा, ये पेंट ना पहरी है भाई, ये भी यही कपड़ा पहन लिए, धोती दो धोती फाड़ी और दे दिए, 225 मीटर की। और एक बार तो रोए धोए राजीव है तो होना ही पड़ा, है ना, रोए धोए राजीव है, नाच कूद हुए खुशहाल, ऐसा हो जाता है। मैंने करनाल में कहा माता बहनों को कि मेले के समय ड्रेस कोड जैसा कुछ हो जाए तो कितना अच्छा लगे, हाँ अच्छा लगेगा। तो माताओं ने बहुत सालों तक माना नहीं, और हमारे सुंदर साथ बहुत मानते नहीं है ना, कम मानते हैं, महाराज जी अपने जैसा ही बनाना चाहता है क्या यार। और जब एक साल में थोड़ा सा मेरे को भी लगा, आ गया होगा जबराइल हमारे साथ भी, थोड़ा सा जोर से कहा, तो उस समय तो सब चुप हो गए, और उन्होंने सलाह किया महाराज जी नाराज हो जाएगा, इससे अच्छा पहन ही लो ना यार। तो सब ने एक एक सूट बनाए, एक जैसे एक एक सूट बनाए, महाराज जी एक दिन पहनेंगे, मैंने कहा भला हो तुम्हारा, जब एक दिन पहना ना और नाच कूद हुए खुशहाल हो, फिर तो एक बार तो उनको दुख लगा, पर जब पहना उस समय लगा, अरे यार हम तो बाबा जी के सेना की तरह से दिखते हैं। और सब माता बहनों ने मेरे को, कईयों ने कहा, अरे हम दूसरे थे, जयपुर के थे तो दूसरे थे, दिल्ली के थे तो हम अलग हैं, हमें क्यों नहीं बताया आपने सुंदर ड्रेस कोड बनाया है। तो जो आनंद है एक रूपता में सुंदर शाह जी, शो ऑफ में कभी आनंद नहीं है, दुखी हो जाएंगे हम। तो इसीलिए धाम में जाएं, कहीं तो गुरु स्थान में जाएं, तो पवित्र भावना लेकर के जाएं, निर्गुण वेश बना करके जाएं, सादे वस्त्रों में रहें, अच्छा रहेगा।
काले अपने अवगुण ने ले जब राज संघाल अवगुण को सबको निकाल दिया। सुंदर साहब जी जोश के साथ चल रहे हैं अब इन समय दया राम चंचल गंगा राम है और मुनारसी आया सो आए पहुंचे जो सुंदर से मोहन चतर पूछे आए लगे कदम में और साथी आए कहते तिन्हों सौंपी आतम में। सुंदर साहब पठान सौदागर एन खान नाम है दूसरा मुराद खान है अब्दुल नबी ठाम है और अलहाद खान है और यार खान है इलियास खान है नवाब अबकर है और महीन को भाई सब नाम है। सुंदर साहब जी उस्मान हसन खान है और अहमद खान है अव्वल खान को वही पहचान है दीदार माया राम है थे घोड़े पर सवार है आगे जले में चले वैरागी से खबरदार। श्री जी महाराज को घोड़े पर सवार करके कई सुंदर साध ऐसे चलते थे मानो कि सेनापति सिरदार ऊपर बैठा है और सेना उनके साथ साथ आगे वान होकर के चल रही है ऐसा लगता था। अव्वल खान ने पूछा जो है मोहम्मद ऐसे में अव्वल खान ने देखा और मोहम्मद नूर मोहम्मद साथ में चल रहे थे तो अव्वल खान ने पूछा क्या यो को खबर तुम जो इन वैरागी ये कौन है वैरागी कौन है ये फकीर इनकी बात बताओ करके मोहम्मद नूर को पूछता अव्वल खान जो तो छिपाएगा मुझको तो होऊंगा दामनगीर बिना छिपाए बताना ये कौन है सही सही बताओ नहीं तो अंत में छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कौन है कहाँ से आए एक कैसा ये फकीर बताओ करके कहा तब नूर मोहम्मद ने कहा है शामिल दीन इस्लाम असल में इस्लाम को समझाने वाला ये समझने वाला है ये फकीर है कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम असली धर्म के काम पर कमर कस के चला हुआ है कुरान पुरान सब चीजों को जानने वाले हैं ये तो हकुल यकीन था सुनते ही लालदास जी महाराज कहते हैं हकुल यकीन मने तुरंत विश्वास करने वाले हैं सरल हृदय था ये अव्वल खान सुनते ही जाए ईमान जागृत हो गई आत्मा उसकी औहदेदार को करते ही अपनी पहचान अपनी पहचान कर दी और जाकर के श्री प्रणय जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए अव्वल खान चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग तब मने किए श्री राज ने आए बैठो हमारे संग ये सबका अपना अपना तरीका होता है भाव होता है। सुंदर शाह जी अव्वल खान ने जब श्री जी के दर्शन किए प्रणाम किया उससे उसको लगा कि अभी तक मैं वंचित था गुनहगार हूं मैं तो मैंने नहीं पहचाना है ना चाबुक उठाया आप अपने आप को खूब मारता है कोड़े के ऊपर कोड़े मारता है शरीर फट रहा है चमड़ी फट रही है जी जब मने किए श्री राज मने किया ए ए अव्वल खान भाई भाई मेरे भाई ऐसे ना करो रोक दिया श्री जी ने हाँ आए बैठो हमारे संग जी वहाँ पटका काम चले लिखावे बैठे श्री राज अव्वल खान को बुलाकर प्यार से बैठाया चर्चा में वहाँ पटका मने चर्चनी की बातें चल रही थी परमधाम पटका मुकंदास दरोगा रहे बैठा था इनका मुकंदास जी चारों तरफ से ख्याल रखते थे कार्य ये चल रहा था परमधाम के पटका काम चर्चनी का काम अथवा चित्र बनाने का काम चल रहा था आए पठान मिलके करने को दीदार दर्शन करने आए पठान लोग कुछ मिल करके होने लगी चर्चा सवाल परवरदिगार परमात्मा के विषय में चर्चा हो रही थी हमारे तुम कहो कलमा रसूल का अरे 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 संत जी फकीर साहब आप तो हिंदू होकर के हमारे मोहम्मद की बातें तो हम हमें तुम्हारे ऐसा चाहता था और कैसे कर रहे हो हमें बताओ सारी बातें खोल करके हम सुनना चाहते हैं आपके मुखारविंद से जब रायल समय शिव जी को बैठा जोश श्री जी महाराज जोशीले होकर के कहते हैं क्या मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे पड़ा मोहम्मद कौन और मैं कौन है मेरे हमारे और हमारे संबंध में बीच में तोड़ने वाले विचार से कौन आ रहे हो तुम लोग अव्वल खान की रूप पर जबराइल ने किया अरे अव्वल खान वहां बैठा था जो चाबुक मारने वाला भाई और कहता है क्या जबराइल जोश आ गया ये सुनकर के जोश देख काफी डरे करने लगा शोर पठान ग्रुप में आए थे शोर शराबा करने डिस्टर्ब करने के लिए व्यवधान डालने के लिए सुंदर शाह जी अव्वल खान को जोश आ गया और खड़ा हो गया छोड़ूंगा नहीं तुम्हें करके डर गए और भाग गए पठान लोग तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सबन में लो संत जी ये प्रणाम गए हम सलाम वालेकुम घर में जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन अरे जाकर के घर में यार वो साधु तो चमत्कारी साधु है देखो हम कितने जोश में गए थे एक व्यक्ति खड़ा हो गया पानी हो गए हम बिल्कुल ही एक दिन कीर्तन में राणा आया करम दीदार राणा आ गया हो करकरा करके आ ही गया राज सिंह राणा राजा जो उदयपुर का आ गया श्री जी के दर्शन करने और ब्रज की लीला और रास की लीलाओं के कीर्तन में आ गया
वो छिपाए ठहरा रहा, देखा रासलीला बिहार है। हाँ, रासलीला का आनंद हो रहा था, सुंदर शाह जी खूब आनंद ले रहे थे, ऐसे में मुंह छिपाए मैंने वेश बदल करके आकर के खड़ा रहा। इतना ही था अंकुर देता लिया फल ले, जाकर के श्री जी के चरण छू लें, स्पर्श कर लें और अपने आप को कल्याण कर लें अपने आप का। ऐसा नहीं आया जितना अंकुर था, दूर से देखा और चल दिया। आ गया चीतोल भाई तेती आतम शाह जी, राजी महाराज जो चाहते वो होता है सुंदर शाह जी। इनके दिल में शक रहे ईमान अबुल खान, जैसा आदमी ईमान विश्वास लेकर के आ गया, पर ये राजा हिंदू होकर के शंका लेकर के चलता है। इनको मस्करी करें भाई, इनको पूरी पहचान, अबुल खान को भी मस्करी करते हैं, मुसलमान होकर के हिंदू का शिष्य बन रहा है भाई, मस्करी करते हैं। इन समय अमराज वह पहले ले आए ईमान, गंगा के घर में रहे कछु इनको भाई पहचान है, और भोगीदास जो है आया करम दीदार है, मीठी लगी चर्चा पहचाना परवरदिगार है। साथ जो जो आए उनके नाम है श्री मोहम्मद कहे मोमिनो है, तालाब करो याद है झील को, उस तालाब को याद कीजिए सुंदर शाह जी, जहाँ श्री जी महाराज के किनारे पर हवेली में रहे। फिर करूँ फिर कहूँ उदयपुर की जो भीतक बुनियाद है। सुंदर शाह जी उदयपुर में क्या हुआ सुनिए। फिर वहाँ से आए उदयपुर उतरे हवेली में, हाँ जी सब साथ आए मिले सुख पाया। उदयपुर एक हवेली में रहे, सुंदर साथ को आनंद हो रहा है श्री जी के साथ। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आए, गोवर्धन भाई सूरत से आए, धोली भाई साथ थी तिनको संग लिया, साथ में ले आए। ये दो कदमों लगे साथ तो क्या मिलाप है, आकर के श्री जी के चरणों में लगे, बातें सुनी तो की लगे चर्चा करने। चौपाई में अर्थ खुल रहा है इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, बातें सुनी तो की लगे चर्चा करने। आप सारी बातें सुनी उन्होंने। इन समय बादशाह ने करी मुहिम रहने पर, अब क्या हुआ, औरंगजेब बादशाह ने आए अजमेर से भेजिया मथुरा इन पर रहे, अब लड़ाई करेंगे तुम्हारे ऊपर, कुछ देना लेना बाकी होगा, लड़ाई का ऐलान कर दिया है ना। और आए अजमेर से भेजिया मथुरा, अजमेर में आकर के एक व्यक्ति को भेजा मथुरिया करके एक भाई, उसको समाचार देने भेजा। क्या किया मथुरिया ने, आओ मेरे दीन में ले आओ तुम ईमान, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान धर्म में हाँ शामिल हो जाओ, पांच परगने देऊ तुम्हें जो होवे। राज सिंह राणा तुम्हें यदि स्वीकार करोगे तो पांच परगने मैंने पांच जिले तुम्हारे हवाले कर देंगे, मौज करो तुम्हारा परिवार पलता रहेगा गरीब पुश्तों तक। नहीं तो गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी, तो मथुरिया ने आकर के गरीबदास पुरोहित था एक थोड़ा राजा के साथ आना जाना था, उसको तैयार किया जाकर के ये बात करो गरीबदास को कहा। सोले गया राज सिंह पे कई कानो ला कानन, कान में जाकर के मथुरिया ने गरीबदास लेकर के गया, मथुरिया ने कह दिया कान में धीरे से, कैसे ऐसा समाचार आया है राजा साहब। सुनते ही रीस करी तुझे न छोड़ता मैं, जैसे ही सुना बहुत गुस्सा किया राज सिंह राणा ने, प्यार क्या करूं प्रोहित भैया अब भाग जा। अरे तू ब्राह्मण होकर के ऐसी बात लेकर के मेरे सामने आया, हिंदू और उसमें भी ब्राह्मण, मैं छोड़ता नहीं हूं, दूसरा होता तो ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है, नहीं तो मैं तेरी ऐसी तेजी काट खड़ी कर देता। जो धक्के हिंदू को जो ऐसी बात सुनावे, धक्का मार के इसको ये बात लेकर के मेरे पास आया है। राजा बहुत गुस्से हुआ, दिलगेर हुआ, दिल में मन में बड़ा गुमान, और अभिमान भी तो था ही ना राजा, राजा का अभिमान तो होना ही था, दिल दुखी हुआ है सुनकर के। वो तो दूत फिर गया इस खड़बड़ पर, समाचार देने आया था वो तो वापस चला गया, पर इसको चैन थोड़े अब रे औरंगजेब ने ऐसी बात भेजी है, बड़ी बेचैनी हो गई, खड़बड़ पड़ गई। अब इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर है, दज्जाल ने क्या शोर किया सुनिए। तब श्रीजी साहब जी ने कहलाया अमृत बदल करो, इतने ये बात श्रीजी तक पहुंच गई कि औरंगजेब के व्यक्ति आए थे ऐसा कहने के लिए, तो राज सिंह राणा को कह दिया ए राजा साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आने दो मैं बात करूंगा। दौर नजीक पहुंचिया वक्त रोज क्यामत, आज जागृति का समय आया हो सकता है राजा साहब, आवाज मतलब बात पहुंचा दी राजा को। क्या श्री जी ने, तुम कछु न बोलियो रात बदल करें, हम बात करने का काम मेरा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। राजा साहब आप काहे चिंता कर रहे हैं, इन रासे दिन की आवे तले, अरे अरे ऐसे ऐसी धर्म का काम होने वाला है, इसीलिए आप चुप रहिए मैं बात करूंगा उनसे। ये बात रहने सुनी हम ऐसे नहीं पात्र है, आगे बोलिए, जो रद बदल करें दीन की ऐसी नहीं हमारी धर्म का काम हमारा थोड़े है, हम ये बात नहीं कर पाएंगे, धर्म का काम करने के लिए नहीं है हम। हमसे तो बोझ बादशाहों का क्यों कर उठाया, बादशाह आ रहा है हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, इतना सुनना ही हमारे लिए तो बहुत भयंकर बात है। हम सुनत बात डरते हैं, हम
से न हो पाए। हम सुनते बात डरते हैं, ये नाम सुनकर के औरंगजेब बादशाह हमें कंपकपी आती है। अब कहाँ की बातें करने की बात कर रहे हैं संत लोग। तब हजूर दजाल था सो निंदा करने लगा जो रहे। पंडित लोग बैठे थे, वही साधु है ना, वो ऐसा ही है, निंदा करने लग गए। हम आगे ही तुझसे कही मैं करने लगे। अरे आपने पहले कहा था राजा साहब इनको निकालो, आप विचार नहीं कर रहे। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तब मैं आगे। तब सब राणा सुनता है पर हुआ पर कुछ राणा बैठे बैठे सुनता है, कोई बोलता लूट लेना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए मार के, ऐसी बातें भी करते हैं। अरे राणा चुपचाप सुनता है। राणा भीमसेन पासे था इन सुनी बातें। और राणा भीमसेन, भीमसेन मैंने परिवार का ही व्यक्ति है ये, वो था इन रागी लूट लोगे तो हो गए बदनाम। ए भाई कैसी बातें करते हो, बुद्धि ठिकाने पर है और हमारे क्षेत्र में आए हुए साधु को लूटने की बात करते हो, काहे की खटपटी हो रही है जी। हाँ जी हाँ जी, भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो चार दिन में। मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, खटपटी ना करो जी। हाँ तो भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो, दिन लूटने की बात नहीं। एक पुलिस वाले को भेज दिया, समाचार दे दो यहाँ से चले जाए साधु लोग, सब सुख समाधान हो गए, फिर आइयो साधु, शांति होने पर फिर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी न रही है आप लोग यहाँ। लश्कर चारों तरफ दजाले फैलाया, चारों तरफ सेना भर करके घेर लिया है उदयपुर को, पावे न कोई निकसने, रास्ते नाके सब नाकाबंदी कर लिया है। सुंदर शाह जी, श्री साहिब जी ने विचार लिया हुआ हमको, अरे समय आ गया लगता है यहाँ से जाने का, श्री जी विचार कर रहे हैं, ये आ गया है श्री राज की, यहाँ से उठो, धनी जान ले जाना चाहते हैं, यहाँ से उठ जाना चाहिए हमें। सामा सूत हम संग निवे नहीं लगा रहे, अब आया ना, अब सामा सूत मैंने कपड़ा, हम संग निवे नहीं लगा रहे, इतना ज्यादा सामान हो गया, किसने दिया, लादू मसानी शेठ था ने गोप लुटाया था उसने, इतना सामान हो गया, पहले तो खाने के लिए दो पैसे की कमी थी और अब इतना सामान हो गया। श्री जी महाराज रखते नहीं है, अरे भूख लगेगी तब चाहिए, गठड़ी बांध बांध के सिर पे उठा के चलो, ऐसा नहीं कहा, हमारे से नहीं चल पाएगा भाई, इतनी बांट दीजिए, ऐसा क्या विचार करके ये बांट दिया जाए इस सामान को सबको। फिर कोतवाल आई आ जाए हुक्म, दूसरी बार आ गया कोतवाल, पुलिस वाला आ गया फिर समाचार लेकर के, राने रजा दही तुमको यू कर कया, फिर राजा साहब ने फिर कहा है आपको यहाँ से चले जाने के लिए, जाइए महाराज, अभी तो रहने का धर्म न रहा, लगा रहे यार, जिस क्षेत्र में इज्जत नहीं होती उस क्षेत्र में रहना ठीक नहीं है, ऐसा सोच करके प्राणनंद जी महाराज अब निकलने की सोचते हैं। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार है, हमारा परवरदिगार परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, ये मायावी लोगों के साथ क्या लेना देना, यही हमको काटते छुड़ा दिया, हमें निकालना चाहते हैं, धनी की ऐसी इच्छा है, जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे, अब ढूंढो ठहरा। अरे 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 हम तो चले जाएंगे, अब ढूंढ लेना हमें भाई, आएगा तुम्हारे ऊपर कष्ट बहुत भयंकर। इन समय महासिंह करने आया दीदार, महासिंह भी आया, राज परिवार का व्यक्ति है, पहनाया सिरो पाओ इनको, अब तुम बुझो खबरदार। ए भाई क्या किया, अब सामान इतना ज्यादा है ना, सब तो सिरो पाओ दे दिए, सिरो पाओ मैंने सिर से लेकर पाँव तक का सामान सारा, कपड़ा जूते टोपी ये सब कुछ दे दिया। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। अच्छा जी राजा साहब जा रहे हैं हम तो, तुम बैठ न सकोगे वैरान होगे, और ध्यान रखना हम तो जा रहे हैं, और ये बहुत विकट समय आ रहा है हम आपके सामने, अब और जेते उमराओ और जेते पासवान, जितने उमराओ बने दरबार के लोग थे, पासवान और भी लोग थे, और साध अपना जाको थी पहचान, जिनको पहचान थी क्या कहते हैं, किन सबों को सिरो पाओ घरों दिए पहुँचाए, सबको घर घर भेज दिया, कपड़ा सब बांट दिया सबको, निर्गुण भेद पैरन का मोमिनो दियो बताए, पैरन का भेष निर्गुण पैरन का मोमिन दियो बताए, ए सभी सादे वस्त्र पहनोगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जी, चिरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार। सुंदर शाह जी जो भी कलरफुल कपड़े थे, चकाचौंध वाले कपड़े थे, सब दे दिए, बांट दिए सबको, और कहते निर्गुण वेश, चिरक वेश मैंने संत वेश में सारे, सबने संत वेश धारण कर लिया, वो चलने को तैयार है, छोड़ा कार्यवाह सब छोड़ करके अब यहाँ से निकलने लग गए। अब बासन वस्त्र सरगुण ने बख्श दिया, सब बर्तन भी दे दिया, तुम बाकोबड़ी गोदड़ी देख पहना मोमिन, साधन कुछ तो चाहिए साधु संतों के पास, तो साधु संतों के लिए तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी, गोदड़ी पुराने कपड़े को खोल करके
मोटा बनाया जाता है, उसको बिछाया भी जा सकता है, ओढ़ा भी जा सकता है, सील करके बनाते हैं अपने हाथों से। तुम्बा बने लौकी है ना, आपको लौकी की सब्जी खाने वाली लगती है, लौकी एक बर्तन भी है। इस लौकी को पकने देते हैं, अच्छे से पक जाए उसके बाद वो जो बाहर का उसका छिलका है ना वो कड़क हो जाता है, फिर उसको ऊपर से कट लगाते हैं, है ना, कट लगा करके उसके अंदर जो गुदा है उसको अच्छे से निकालते हैं और बचे हुए को कुछ ऐसा तत्व डाल देते हैं जिससे गल जाता है अंदर, जो बाहर का कवर है वो गलता नहीं है और अच्छे से साफ हो जाता है। उसमें कुछ सामान सामान डाल करके ले जाता जाता है, ऊपर काट करके निकालता है, उसको भी अच्छे से मिला करके काट कर उसका ढक्कन बनाया जाता है, पात्र है वो भी, ऐसे पात्र साधु संत कमंडल वगैरह ऐसे हुआ करते थे। हाँ, आप कौन साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्म सा जी कौन साथ उदयपुर जैसा तुम बा कोबड़ी को दे ये वेश पहना मोमिन ब्रह्मात्मा ने पहना आया दिन वो साथ उदयपुर का सुनिए सुंदर साथ कौन कौन आए आया दिन इस्लाम में ऐसी चढ़ाया फिर महाराज के साथ में अंग संग हो गए सुनिए कौन है वो एक तो लाधु मसानी और उमरा जी नाम है और आया ये देव जी हर सुंदर आया इस्लाम है और भाई मंगल जी और आया गिरधर गैला मना हिम्मत है आए मोहब्बत ऐसे सुंदर साथ में बहुजी से कह रहा हूँ ये नाम है आप पढ़ लें भोगन और मथुरी आए गौरी मनु पीछ दी दुनिया को नीके जाना सुपनो क्योंकि चौपाई थोड़ी सी और कवर करनी है समय कम है वहां से थी चल के अब क्या होता है और कान या में 47 चौपाई बोलिए या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच दिन इस्लाम कोई तो उर्जन के पक कोई दीदार के विश्राम और कोई लड़ाई करने के लिए भी आए हैं इनमें और कुछ लोग समझने के लिए आत्म कल्याण के लिए भी आए हैं जब सुल्तान चढ़ा रहने पर तब भागा सारा देश और सुल्तान चढ़ा रहने पर अब क्या है सुल्तान ने तो भेज दिया था समाचार और अब उदयपुर के अंदर चढ़ाई होने लगे लड़ाई की तैयारी हो गई अब यहाँ से निकलने पड़ा उदय पड़े दरवेश ये संत लोग यहाँ से निकल पड़े अब लड़ाई की पूरी तैयारी है चारों तरफ से संगीन के साये पर है उदयपुर वहाँ से चल के आया रामपुर के गांव में और वहाँ से निकल गए श्री प्राण जी महाराज उदयपुर से रामपुर पहुँच गए पास से पूरा दुदलाई पुरंदास के ठाम छोटा सा गांव था दुदलाई और वो पुरंदास का ठाम मने उसका आगेवान व्यक्ति उस गांव का पुरंदास के नाम से जाए श्री महामत कहे मोमिनो है उदयपुर की बीतक कहे आप कहो मंदसौर की जो बीतक उदयपुर की बात सुनिए अब मंदसौर की सुनिए आप कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल उदयपुर से चल करके मंदसौर पहुंचे दुदलाई और रामपुरा होते हुए दमरंग चढ़ा रहने पर हुआ मुलाकात श्री प्राण जी महाराज उदयपुर से निकले ऊपर से नौरंग मने औरंगजेब औरंगजेब की सेना ने चढ़ाई बोल दी धावा बोल दिया संवत 1736 लगा 37 जब 1736-37 की बात है सुंदर साथ जी मंदसौर के बीच में आए श्री प्राण जी महाराज मंदसौर पहुंच गए इस समय फकीरी का वेग धरा हाँ जी हाँ जी अब जो वेश है इस समय लागो मेरे यार फकीरी में ये वाली बात अब है इन समय फकीरी का वेश धरा बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री प्राण जी महाराज फकीरी संत वेश में है शोभा सब स्वरूप की वारों को अरे ऐसी शोभा के दर्शन करने को मिल जाए है ना कहा जाता है अनेक सुंदर स्वरूप इकट्ठे हो जाए तो कैसा स्वरूप बनता होगा सुंदर सुंदर अति सुंदर तो ऐसा स्वरूप है श्री प्रणन जी महाराज गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडपी छोटी टोपी और उससे कंडपी टोपी उसके ऊपर है श्री प्रणन जी महाराज के जयपुर लोही जागे भरी ये पहने थे टोपी कान को ढके ऐसे कंडपी है ना दो पुरत लोई धागे ये लाल धागे से लोई मैंने लाल गुजराती में लोई मैंने लाल लाल धागे से बनी हुई मैंने लाल रंग की मैंने संत वेश की टोपी है सुंदर साह जी अति सुंदर तिलक बनियो दो रेखा बीच बिंदी तिलक बहुत सुंदर दो रेखा है उसके बीच में बिंदी है श्री प्राण जी महाराज ने धारण किया है गोपी चंदन सफेद का मुख शोभित मानो चंदन गोपी चंदन सफेद का सफेद चंदन हाँ गोपी चंदन हाँ से वो तिलक बनाया हुए और उस तिलक के साथ में श्री प्राण जी महाराज का मुखारविंद मानो चंद्रमा की तरह से दिख रहा है मानो चंद्रमा ही उतर आया हो ऐसे श्री प्राण जी महाराज का स्वरूप है सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी मैं एक बात थोड़ी सी कहना जरूर चाहूंगा इस समय मैं कई बार सुंदर साथ के घरों में जाता हूं रुकना होता है हमें और प्रातःकाल प्रसाद ले आते हैं चंदन की कटोरी होती नहीं है उसमें धाम के धनी की प्रसाद जरूर आता है चंदन होता ही नहीं
क्या चंदन नहीं चढ़ाते आप लोग? नहीं चढ़ाते? नहीं चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चढ़ाते, बहुत थोड़े लोग चढ़ाते होंगे। तो पियाजी ने पूजने ही नहीं भी देखे, जे करते नहीं है आप लोग? चलो सखी सुंदर बर जी ने बोलते नहीं है पूजा करते हो तो चंदन चढ़ाया जाता है और कहना पड़ता है चंदन कहां है, तो फटाफट डब्बी में से पाउडर निकाल के पानी डाल के ला के दे, चंदन चढ़ाना होता है। और चंदन चढ़ाना होता है और चंदन खुद धारण करना होता है। मैं पंजाब के सुंदर साहब को खास कहना चाहूंगा, चंदन लगाना चाहिए, ये आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। राज्य को चढ़ाए चंदन जरूर डालिए, लगाइए, कोई इज्जत जाने वाली नहीं है। आपको बता दूं, बड़े बड़े अफसर होते हैं गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय के, अफसर बहुत बड़े बड़े आईएएस अफसर, चंदन खड़ा चंदन होता है उनका, दो वाला धारण करके बैठ, इज्जत जाती है। ये हमारी तुच्छ भावना है सुंदर साहब जी, हमें चंदन जरूर लगाना चाहिए। श्री प्राण जी महाराज चंदन धारण करते थे जी। ये शर्मणी सोरे कानन दो बाले कंचन के, दो सोने की तार पर कंठियां पिरो करके बालियां बना, क्या बनाया है, श्रवणी बनाई हुई है सुंदर शाह जी कानों पर धारण किया श्री जी महाराज ने। अतराज सब प्यार के लगा प्यार फकीरी से, सुंदर शाह जी इस फकीरी में जो आनंद है ना, और वास्तव में जो इस क्षेत्र में गया उसी को आनंद आता है सुंदर साहब, पता है ना, जिसने देखा ही नहीं, अनुभव करने की कोशिश ही नहीं की है, वो चकाचौंध में आनंद मानता है सुंदर शाह जी। हम लोग क्या है, सवेरे उठते हैं कई बार करनाल में लाइट चली जाती है, जहां कपड़े रखे थे हाथ डाला, जो मिला पहन लिया, चाहे पार्टी में जाना है, चाहे सत्संग में जाना है, चाहे दुख में जाना है, चाहे सुख में जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दिन एक बहन अभी मेरे को कहने लग गई, महाराज जी आपके लिए कपड़ा लाएंगे, ऐसा ही कपड़ा अच्छा सा ढूंढ करके, है ना थान। मैंने कहा बहन दुख नहीं करना, कष्ट नहीं पाना, मैं ऐसे पहनूंगा नहीं कपड़ा। क्यों महाराज जी, मैं बढ़िया वाले वाला कपड़ा लाऊंगा, इसीलिए तो नहीं पहनूंगा, ज्यादा बढ़िया लाओगे, हमें चाहिए ही नहीं ऐसा बढ़िया। मैं तो बहन आपके सामने कल भी यही कपड़ा मैं दिखूंगा, परसों भी, महीने तक में यही कपड़ा दिखेगा आपको, और आपको लगेगा कि महाराज तो बदलता ही नहीं कपड़ा, कितना गंदा हो गया होगा, है ना। क्योंकि मेरे को थान जच जाए तो दो चार थान उठा के ले आता हूं, सिला लिया इकट्ठा ही, और चार चार कपड़े निकाले और पहन लिया, जब फटने से लग जाए तो उसको हटा दिया, बाकी दूसरे पहन लिए, तो बदलते ही नहीं है हम लोग। तो इसमें आनंद है, कभी सोचना ही नहीं पड़ता आज पार्टी में जाना है ना। आपका तो अच्छा है ना कि बीबी बता देती है, हम लोग तो साधु है, कौन बतावे क्या पहनना है आज, आधा घंटा तो सोचने में ही लग जाता है, ये इसमें अच्छे नहीं लग रहे हो जी, बदल दो, दूसरा पहन लो जी, पर ना पहनी कम से कम संत दर्श को जाना है, अथवा गुरु स्थान में जाना है, मंदिरों में जाना है, सादे में जाइए। हाँ, फकीरी में आनंद है, सादगी में आनंद है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आप जानते हो, पर हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग गड़बड़ ये डुबाने की बात होती है जी। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार है, श्री प्राण जी महाराज कंठी पहनते थे। हाँ, रख की बात तो आई नहीं है यहाँ, रख पहनते थे ऐसी आई नहीं, कंठी पहनते थे, तुलसी की कंठी, चार मालाएं, और अतिशोभत अंग मेघली लोई धागे भरी शुमार है। हम कह तो देते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज के खास चाहने वाले हमें, लेकिन कभी कभी गतिविधि देख करके थोड़ा सा शंका हो जाती है सुंदर शाह जी। जी, और गोदड़ी और इनकी हाथों नहीं बनाए, और कहते हैं अंग अतिशोभित अंग मेखली, मैंने एक ही चोगा सा पहना हुआ है श्री प्राण जी महाराज ने, लोई धागे हरी सुमारन लाल धागे से बनी हुई है, कपड़ा सफेद और धागा लाल थोड़े होगा, कपड़ा भी लाल है सुंदर शाह जी, लाल मतलब गेरुए वस्त्र पहने हुए श्री प्राण जी महाराज ने। और कहते हैं गोदड़ी ओढ़न की और हाथों बनाई लई बनाए श्री प्राण जी महाराज ने, अपने हाथों से गोदड़ी तैयार की, पुराने कपड़े को जोड़ करके ओढ़ने और बिछाने के लिए, हल्का मोटा कपड़ा होता है जी। सेली सुमरणी मुत का अंग सोबत है, सेली सुमरणी मुत का, सेली मने धागे से बनी हुई माला भी रखते हैं, और मुत का मने वो जिसमें हाथ डाल करके जपा जाता है ना, उसमें सुमरणी भी है, ये क्या क्या भेष में क्या क्या डाला हुआ है, वो ये सुमरनी है सुंदर साहब जी। और इसको क्या करते हैं, वो गौमुख पुजारी जी दिखाइए जरा, मुत का जिसमें हाथ डाल करके, आपने देखा होगा वृंदावन वगैरह गए हैं तो हरे राम हरे कृष्ण वाले थैला सा यहां बांध करके चलते हैं, ये
ये ऐसा नहीं वैसे तो, लेकिन ये उसी रूपक में बनाया है, इसमें माला है, इसमें हाथ डाल करके जपा जाता है, लेकिन ये शायद उस तरह से पूर्ण है कि नहीं, मैं देखता हूँ पूर्ण है कि नहीं, थोड़ी कमी है पुजारी जी, यहाँ ये छेद होता है, अंगूठा निकाला, ये अंगूठा नहीं, ये कौन सी उंगली है, तर्जनी, तर्जनी का मतलब समझते हैं, ये डांटने वाली, तेरी ऐसे तैसी करूंगा, तो ये अपवित्र उंगली है, इसको माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। माला जपते समय कई लोग, ये जपने का ढंग नहीं है, माला जपने का ढंग है, इस उंगली को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो मुत्का में आप ध्यान रखना, ये जानने की चीजें हैं सुंदर साहब जी, ये उंगली को बाहर निकाल दिया जाता है और इसको कपड़े से कवर किया जाता है, मुत्का उस पर सुमरनी अथवा माला लेकर जपते हैं, ये है वैसा पुजारी जी, पर पुजारी जी यहां उंगली निकालने की जगह चाहिए। हाँ जी, ऐसा लेकर के चलते श्री प्राणी जी महाराज के साथ में, ये सारी चीजें ऊपर में धोती अंगोछा पैर में और बांधे और धोती पहन ली और ऊपर में ओढ़ लेते हैं सुंदर साची, पहरे और बांधे कमर पहनते भी बांधते हुई धोती है, ये सभी ब्रह्मांड में अत्यंत शोभायमान है सुंदर साची, जो ब्रह्मांड में ऐसी शोभा किसी की नहीं है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर रहे, कमर में एक तुम्बा बांधा हुआ है, एक हाथ में कमंडल के रूप में तुम्बा हुए लौकी का बनाया हुआ पात्र है, साथ सबे झोली में राखत कांध ऊपर, कंधे में झोली टांग रखी है श्री प्राणी जी महाराज ने, उसमें साज सबे में साधुओं के सामान क्या होते हैं, चंदन लगाने के लिए महाप्रसाद होगा जो भी होगा, है हम लोग कितने महाप्रसाद खाने वाले लोग हैं, और शाम को बैठ करके बड़े प्रेम से गाते हैं महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए सदा आनंद मंगल, ये है वास्तव में मुत्का, ये है ये उंगली को निकालने की जगह, बाकी चार उंगलियां अंदर होती है, इसमें माला डाल करके और इसको यहां बांध दिया जाता है, कहीं गिरे भी ना। आपको एक बात बताऊं, हम धर्म का कार्य प्राय हां दिखाने के लिए करते हैं, दिखे लोगों को पता चले, और छुप के साहेब कीजिए याद, बड़े प्रेम से ये चौपाई उच्चारण करते हैं, साहेब को याद करना सेवा सुमरण ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कभी भी, ये दिखाने के भाव से करेंगे तो नाम न ले जाए, आ वाह वाह वो तो बड़ी माला करती है जी, करता है जी, खत्म हो गया आपका सुमरण, बेकार हो गया, जितना छुप के कर सके, जितना पता ना चले किसी को ऐसे कर सके, वो सुमरण होता है, वो सेवा होती है सुंदर साहब जी, तो ये विचार करने की बात है। तो क्या होता है, अब साज सबे झोली में राखत कांधे पर, कंधे पर झोली टांगते हैं और सामान सब संत सामान सब यहाँ रखते हैं, पहनी पावे पर नहीं चलत चटकनी चाल, चटकनी चाल खड़ाओ पहन रखी है श्री जी महाराज के चरणों में, संग के जग मोमिन चलत हो तो खुशहाल सुंदर साहब जी, आनंद आनंद हो रहा है सुंदर साहब, साथ साथ में चल रहे हैं, समुन बेग पहनिया देख अपने साहब को देख करके, अपने प्रियतम को देख करके, हमारे आगेवान ये हैं, तो इनके अनुसार हमें भी सादगी धारण करनी चाहिए, सबने धारण कर लिया, संत वेश में आ गए सारे, चा खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली, अब खेल को देखा जाता है सुंदर शाह जी, है ना, देखना हो तो खेल के अंदर बैठने से देखा नहीं जाता, वो खेल के पात्र बन जाते हैं, खेल से थोड़ा सा निकल जाए अब देखो क्या आनंद है, हंसी आने लग जाती खेल को देख करके, श्री भाई जी भेष बनाया शोभत है निर्गुण ने, उसी तरह से भाई जी महाराज जी ने भी भेष बनाया संत वेश में, साज फकीरी राखत से संग दजा फकीर, फकीरों की तरह से भाई जी महाराज जी ने भी सामान रखा हुआ है, वेश पहना हुआ है, पीछे में रामपुरा था निकट चारण का गाँव, रामपुरा के निकट में एक चारण का गाँव था, उठाई अवेली लगे ईटे पाड़ने के काम, ईटा पाड़ना मने ईटा बनाना, ईटे बनाई अपने हाथों से कच्ची ईटे और हवेली बना ली रहने के लिए, बनाया ठाड़ी हवेली करी स्वरूप रखे तन में, हजारों हजारों की संख्या में सुंदर साध हो गए, अब कितनी बड़ी हवेली बनानी पड़ी होगी, है ना, और स्वरूप देव ने माता बहनों को रखा, पूरनमल चारण वह गांव था उनसे, पूरनमल चारण उस गांव का आगेवान था भाई,
उनकी माता खिदमत में करे उपली पहचान। और पूरनमल चारण की माता थोड़ी जी भारी भारी शरीर की बड़ी प्रेमन और आती थी और माता बहनों की सेवाओं में लगी रहती थी। ऐसे संत लोग धन्य हो गया हमारा गांव जहां ऐसे ऐसे संत आ गए करके सेवा करते। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान उपला है संत लोगों की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। जब दज्जाल ने जोरा किया दिल बैठा बैरीशाल। अरे अरे दज्जाल ये बैरीशाल बोलते हैं राज सिंह राणा का भाई लगता है उदयपुर के। और उनको लगा था कि ऐसे चमकते हुए चेहरे ऐसे नहीं बनते बहुत कुछ इनके अंदर है लूट लें चुरा लें इनको किसी तरह से ऐसा सोच करके बैरीशाल आ गया लूटने के हिसाब से। भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल राजा का भाई होते हुए दज्जाल उसके हृदय में बैठा दुश्मनी बैठी और लूटने के लिए धन पाने की लालसा से वो आ गया। बुरी नजर करी साथ पर लूट ले फकीरन। हाँ बुरी नजर करी साथ सुंदर साथ पर कुदृष्टि रख करके लूटने के लिए आया। तब चारण क्या घरों गए फरियाद करी मोमिन ने। हाँ जी ये पता चला राजा का भाई आया हुआ है लूटने के लिए डरना तो था ही ये साधु बिचारे क्या है इनके पास। और जाकर के चारण बड़ा आगेवान था ना गांव का तो उसके पास जाकर के कहने लगे ऐसे ऐसे हमारे को परेशान कर रहा है कोई आकर के। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर रहे चारण को सुना रहे थे चारण की माता ने सुन लिया। हाँ क्या बात है कौन आया इन आज छोड़ूंगी नहीं अब इन वैरागियों सामने देखे मारू तिन्हें खड़े वैरागियों को परेशान करने के आया कुदृष्टि रख करके आया ऐसे को छोड़ूंगी नहीं आज तलवार उठाया और चल पड़ी। या तो मैं मरूं तिन पर हत्या देऊं। अरे चारण की माता जोरदार थी यदि धर्म पर कभी हानि आने वाली है माताओं जाग जाओ इनसे बुरा क्यों देखे हमेशा चंडी नहीं बने रहना हाँ मुश्किल हो जाएगी ऐसा नहीं करना पर धर्म में हानि होने वाली है सही बात पर कहीं रुकावट पैदा हो रही है उसके लिए कमर कसना चाहिए। तो कहते हैं इन बैरागियों सामी देखे मारो तिने खर मैं तलवार से दो टुकड़े ना करूं तो मैं चारण की माता नहीं या तो मैं मरूं या नहीं हत्या हूं ना और मेरे को मारता है तो कोई बात नहीं मुझे डर नहीं मरने का और पर एक स्त्री हत्या का पाप लगेगा और दोष लगेगा राजा का भाई है तो क्या हुआ तेरी ऐसी तैसी बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु। अरे इनके इन साधुओं को बुरा देखते हैं इनकी ऊपर कुदृष्टि रख रहे हैं इनको लूटने की कोशिश कर रहा है। अब श्यामूले पीछे मेरे उत्साह चाहे राजा का भाई क्यों ना हो माता खड़ी हो जाए भाग गया बेचारा चलाना कछुए जिनका बुरा हुआ ऐसा बदनामी हुई उसकी वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर मंदसौर आ गए श्री प्राणा जी महाराज अब हवेली छोड़ करके चारण के गांव से निकल गए तो आए के बैठे हरि प्रसाद के घर में रह गए पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के चारों तरफ से औरंगजेब की सेनाएं घेर करके बैठी बाबा सनंदे था बैठ के कोई कोई सुनने सनंद के प्रकरण गाते हैं तो वो जो मुसलमान सैनिक लोग थे कुछ लोग आते थे सुनने के लिए इस सुनने को आवत पठान दौलत खान है। हाँ पठान दौलत खान आ गया सुन सुनने घायल भया भला जाए ईमान मंदसौर में दौलत खान पठान आया सुन करके मस्त हो गया आनंद आया उसको। और शेर खान को हड्डी सुनी सुनने कान है आगे संकेत पठान है तभी लाए ईमान अनेक लोग जागृत होने लग गए मुसलमान भाई लोग भी बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब बिना एक मोहम्मद वाला प्रकरण पड़ा जब दौलत खान पठान को जोश आया एकदम जब्राइल आ गया उसके अंदर जोशीला होकर के क्या किया बिना एक मोहम्मद है और न बोले बिना एक मोहम्मद यही बोले जा रहा था फिर यही कहे यही कार्ड बस बस यही बोलता दूसरी बात ही नहीं उसके मुंह से निकल नहीं पा रही है जोश आ गया एकदम से। कृपा राम आया कहाँ पाकिले पुकारे उदयपुर का साथ पार कृपा राम भाई आए इस समय कहाँ पर ये मंदसौर में कृपा राम इत आइया ता पाती ले पुकार उदयपुर का साथ पाड़ो मिने हुए अब बिलाप करण हार क्योंकि जैसे श्री प्राणा जी महाराज उदयपुर से निकले तो औरंगजेब की सेना छा गई उदयपुर में लड़ाई हुई और घर तहस नहस हो गए अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया वहां की जनता को और पहाड़ों में कंदराओं में जाकर के छुप करके बचाने की कोशिश करते हैं उनमें से सुंदर साथ भी थे और सुंदर साथ के कष्ट को लिख करके पत्र लिखा और कृपाराम भाई श्रीजी महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं और पत्र दिखाते हैं। श्रीजी महाराज ने पत्र पढ़ा और विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द सुंदर साथ के दर्द भरे चिट्ठी को पढ़ करके श्रीजी महाराज
का हृदय पिघल गया और कहते हैं मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद श्री प्राणा जी महाराज यहाँ मोहम्मद मने और उन्होंने दरगाह बीच मने परम धाम को मूल मिलावे को याद करके और ऊपर की तरफ मुंह करके पुकार किया बालो ब्रह रस भिनो रंग ब्रह मार माण तो रुदन करे जल धार वासना रुदन करे जल धार आपो लखावी अलगो थयो अमथी आपो लखावी अलगो थयो अमथी जे कोई मुती तामसियो सिरदार जे कोई मुती तामसियो सिरदार रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार श्री प्राणा जी महाराज ये पहला प्रकरण की एक चौपाई सुंदर शाह जी ऐसे छह प्रकरण है पर यहाँ कहा जाता है पांच प्रकरण अवतरित हुए ये दुख की बातें सुनकर के सुंदर शाह के दुख को देखते हुए श्री प्राणा जी महाराज ने राजी से अर्जी लगाई और ये छह प्रकरण अवतरित हुए जो विरह के प्रकरण के रूप में हम गाते हैं सुंदर शाह जी जी आगे बोलिए तभी पहुंची हको हुई मेरु पर सलाम ये चौपाई याद रखना तभी पहुंची हको ये चौपाई जैसे ही अवतरित हुई और हक मने राजी महाराज के सम्मुख की पुकार पहुंच गई और ऐसा कहा जाता है औरंगजेब की सेना छंटने लग गई और वहां का कष्ट कम हो गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सुंदर साथ जी हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए आज से छोड़ दीजिए अपने लिए प्रार्थना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए प्रारंभ कीजिए वो प्रार्थना ज्यादा असरकारक होती है। श्री प्राणा जी महाराज ने सुंदर साथ के लिए प्रार्थना किया तब वहीं पहुंची हक को वो पुकार राज्य के चरणों में उसी समय पहुंची। यदि हम दूसरों के लिए सोचने लग जाएं तो हमारे लिए सोचने वाले भी तो दूसरे होंगे। मैं एक ही बात कहूंगा और भी क्या है यदि आप अपने लिए सोचेंगे तो कभी भी आप पूर्ण नहीं बनेंगे। यदि आप पांच जने दूसरे के लिए विचार करेंगे पांच जने नहीं पांचों हजार लोग आपके लिए सोचने वाले बन जाएंगे तो क्यों ना हम दूसरों के लिए सोचें। पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई दूसरों के हित की बातें सेवा की बातें श्री प्रणय जी महाराज ने की है तुम सेवा से पाओगे पार अपनी सेवा करते रहो ऐसा नहीं कहा है दूसरों की सेवा के लिए कहा है। इसीलिए हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए हम दूसरों के लिए सोचें अपने आप हमारे लिए पूर्ण हो जाएगा। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार इब्राहिम दर्शन करने आया इब्राहिम भाई सुनिए इसके साथ घटना होती है सोबत ही राजी भया फिर आया दूसरी बार भी आ गया बार बार देख करके दर्शन करके चर्चा सुन करके खुश हुआ तब लालदास की सोबत से बातें इच्छा में लालदासी सोबत लालदासी के साथ में बैठ करके चर्चा होती थी एक किस्सा कुरान का करो हमारा इब्राहिम भाई आप तो ज्ञानी लग रहे हैं एक कुरान का किस्सा आता है एक तफसीर हुसैनी में इसका अर्थ करके बता दो हमें तब उन्होंने उतरा सूरत कुरान हमें उतरवा दो लिखवा दो करके कहा जब और उतरवाया उसने कुरान का एक हिस्सा तिनमे कहती आए थे श्री जी महाराज बैठे बैठे सुन रहे हैं सुनते या में बात हमारे अरे कुरान के अंदर हमारी बात है ऐसा सुन करके बड़ी खुशी हो रही है श्री जी जो उतरावे तुमको तो बड़ा लालदास जी ये उतरवा देता है ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इब्राहिम को पटा लो और उतरवा लो तब उनसे बातें करी कहे मैं उतराऊं कलाम और उससे बात की इब्राहिम से लालदास जी महाराज ने क्या क्या कशुक लोग दिखाई राजीव पैसे ले लिए उतारने उतरवाने लग गया वो तो रात को आया खड़ा हुआ शुरू हुआ सिपारा सोलवा सिपारा उतरवाया उसने दो जज उतरवा दिए हाथ में बड़ी राज उतरवा दिए इतने एक मजल पड़ी बड़ी खुशहाली दिल इब्राहिम महाराज को बड़ा आनंद आया ये देख करके तक अपनी बात के हो अरे सारी अपनी बातें हैं इसके अंदर ये देख करके श्री जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक ठोर रात को बंगले उतारते हैं कुरान एक बंगले में एक कोने में बैठ करके फटाफट उतरवाते हैं इब्राहिम लिखवाता है लालदास जी महाराज लिखते हैं लाल इब्राहिम बैठे थे राजपासे पोड़े सुने श्री जी महाराज खाटने पर लेटते हैं सोते थोड़े सुनते रहते हैं
उतरवाते एक सुगंध पड़ा इब्राहिम ने, क्या पड़ा जी? ये तो कोई रारसी कलम मारे उतारते समय वो तफसीर हुसैन में, अरे ये गलत बात लिखी है, किसी अनपढ़ ने लिख दिया है ऐसा करके वो बोल पड़ा अचानक। तो श्री जी महाराज लेटे लेटे सुन रहे थे, क्या कहा श्री जी ने? तो श्री जी साहब जी ने कहा फिर के पढ़ो सुगंध, दोबारा पढ़ना इब्राहिम साहब। ये तो तुम क्या कहा फिर हमें सुनाओ कानून, दोबारा पढ़ के सुनाना जरा। तब कहा इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान है, और वहाँ क्या लिखा था है? जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुँचे कान है, और मोहम्मद की उम्मत के माने मोहम्मद साहब के पास उनकी प्रार्थना नहीं पहुँच सकती, ऐसा लिखा है। कोई पहुँच न सके हमारा आत्मा मोमिन ने, तुम हरपनो फिराओ एक का। और श्री प्रण जी महाराज ने कहा ए भाई जो लिखा है, क्योंकि कुरान का एक अर्थ भी इधर से उधर नहीं कर सकते, इसीलिए जो लिखा है वही उतरवाओ भाई, इसमें बदलाव नहीं करके। वो क्या लिखा है जिसने लिखा है, क्या पता हमें किस भाव में लिखा हुआ है, इसलिए बदल जाएगा भाव, इसलिए बदलाव नहीं, जो लिखा है वही उतरवाओ इब्राहिम साहब। सुकन को समझ नहीं तुम, अरे 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 ये जो लिखा हुआ है हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रही हो, वो क्या जाने उन क्या लिखा सो समझ नहीं हम, हमें समझ में नहीं आ रही हो भाई, इसलिए आप जो लिखा है वही उतरवाओ। लगता है जब उतरा था पढ़ने बैठे श्री राज पांडा जी महाराज, उस समय वहाँ बैठे थे एक चबूतरे में पढ़ने बैठे, अभी तक देख राजी हुए मैं पूरन, और ये देख करके बड़ा श्री जी महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है सुंदर साह जी। अब अपनी बात के सब विद भय कारज है, अब अपनी बात के सब विद भय, हाँ अपना कार्य सारा सिद्ध होने जैसा दिख रहा है। श्री प्राणा जी महाराज कहते हैं अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रहना कोई गरज है। अरे अरे अब काम तो इन्हीं चीजों से उतर जाएगा हमारा, हम जो चाहते थे इस पैगाम पहुंचाने के लिए। अब सब साथ को लिखो खुश खबर रहे, सुंदर साह जी ये खुशखबरी सबको दो, मेरे भाई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर रहे, और श्री राज जी महाराज श्री प्राणा जी महाराज की आज्ञा हुई, और मेरे भाई श्री राज की जो लिखी तुम ऊपर, ये राजी महाराज की कृपा से ऐसी ऐसी वाणी पहले से हमारे लिए भेजी है, बड़ी खुशी हुई। लिखने बैठे संध्या को सो जहां लो अरुणोदय, संध्या के समय बैठते थे सवेरे तक लिखते थे, रात भर इब्राहिम जाए अपने घर लाल दातुन पानी करो, इब्राहिम घर चला जाता था सारी रात लिखते थे और उठ करके दातुन पानी करते थे लालदास जी महाराज। यूं कतरे उतरे सिपारे जो चार है, आगे 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार है, आगे फिर सिपारा 30 जाके 36 सूरत है, एक एक प्रकरण करके सभी प्रकरण उतारे जा रहे हैं, सोलिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम, शुरू से अलिफ लाम मैंने प्रारंभ से फिर लिखना प्रारंभ किया, दूसरों तीसरों लगे चौथा उतार, बचे हुए प्रकरण थे वो भी लिखवा लिया, पांचवा शुरू उतार चले मोमिन ने, लिख रहे पांचवा सिपारा फिर इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, इब्राहिम को लगा अरे मैं उतरवाए जा रहा हूँ थोड़े से पैसे के लालच में, क्या होता है जो तफसीर छीन के तो मन को करूँ खुशहाल, और ये तफसीर उसे नहीं है ना, मैं दूंगा नहीं अब छीन के ले लूंगा इनसे, ऐसा सोचने लग गया इब्राहिम, अब उतरवाते बेईमान हो गया, अब लगा खरखस्ता करने बीच बैठा हुआ लग गया, इधर उधर के बहाने बनाने लग गया, अब मोमिन गरीब देख के देवे डर सरियत, गुस्से भी करता मोमिन गरीब देख के देवे डर सरियत, लालदास महाराज कहते हैं ये सामान्य साधु समझ करके वो दुख देने लग गया, कष्ट देने मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने, अरे मेरे को तफसीर दे दो, आपको अधिकार नहीं है तफसीर हुसैन रखने की, कैसे आपके पास है, यूं करके धमकाने लग गया डराने लग गया, तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर रहे, ये दुष्ट हो गया, अब इसके अंदर दुष्टता आ गई है, श्री जी महाराज ने पहचान लिया, फितवा उठाने को करता है काम, दुष्टता करने लग गया, अब लड़ाई करने के लिए झगड़ा करने को तैयार हो गया, मैं तफसीर इनको क्यों देऊं ये फिरादीन इस्लाम है, और इस तरह से धर्म से विमुख सा हो गया, तफसीर नहीं देना चाहता था, अब तफसीर जी जानिया उनके मन की बात है, समझ गए, तब जवाब चौखा दिया करी तूफान की विख्यात, जवाब दिया तो वो लड़ाई करने के लिए धमकी देने लग गया, मोमिन दिल दलगीर हुए बात सुनी कान, जब वो इब्राहिम की ऐसी बात दुष्टता भरी बात देखी तो बहुत दुख लगा, अब क्या करना इनसे भाई नहीं ने पहचान, अरे अरे अब क्या करना चाहिए, आपस में बात कर रहे हैं श्री जी महाराज लालदास जी वगैरह, बात सुनी पठान ने दौड़ गया कदम में, कुछ दिन तक तो अच्छा उतरवा रहा था, अब दुष्टता इनके अंदर आ गई, ये बात सुनी पठान, किसने, दौलत खान पठान ने, हाँ
देखे मोहम्मद खान ने हाँ देखे श्री जी साहब जी को दलगीर उन सौंपी थी आत्मा। श्री जी महाराज को बड़ा दुखी देख करके वो मोहम्मद खान आकर के क्या बोलता है, सो कहे बे आप दलगीर सो बात सुनाई कहाँ प्रभु, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आपके चेहरे में दुख की लकीरें दिखाई दे रही है, क्या कारण है। इब्राहिम उठाया इतना जो गरीब लोग ईमान, अरे 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 तूफान मचाने की कोशिश कर रहा है इब्राहिम ने, हमें बहुत डराया धमकाया है। सुन मोहम्मद खान है बहुत हुआ गुस्से, मोहम्मद खान ने जब ये बात सुनी ना बहुत दुख हुआ, गुस्सा हुआ, लाल हुआ चेहरा उसका, फिर भानु इब्राहिम का मंसूर के बीच आज छोड़ूंगा नहीं, उसका सिर धड़ से अलग कर दूं, नहीं तो मेरा नाम मोहम्मद खान नहीं। गुस्सा आ गया उसको, यहाँ से उठता आ गया इब्राहिम के घर और यहाँ से दौड़ के गया इब्राहिम के घर पहुँच गया, लिया कान पे जाए सवाल किया जो रूपा, हाथ में बड़ा सारा डंडा लिया और खुद का मैंने डंडा लेकर कंधे पर उठाया और जाए सवाल किया जोरू पर, वहां जाकर के उसकी पत्नी बैठी थी, इब्राहिम कहाँ है, वहाँ गया इब्राहिम सही गाल जुबान है, और कहाँ गया इब्राहिम गाली के साथ बोला। तब वह मुनकर भाई गाय निकाह सुनावने कहा नहीं, मोहम्मद खान साहब वो तो यहाँ नहीं है, निकाह पढ़ने गए, चला गया था जाए के किया शोर है, शादी कहाँ पढ़ने गए ये बताओ, तो वहीं चला गया मोहम्मद खान, अब डंडा हाथ में है, गुस्से से लाल है। इब्राहिम निकल आया क्यों ऐसा मुझ पर जोर है, इब्राहिम निकाह पढ़ते पढ़ते उठ के कांपता हुआ आ गया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ मेरे लिए क्यों इतनी गुस्सा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम है करूं फरमाया सोए, पढ़ाई लिखाई आपसे किए, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे पर इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं, तो क्यों दिया तुम हाथियों को ऐसा झूठ तुझसे, अरे आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा करके उसने कहा, तो श्री मोहम्मद खान ने कहा अरे क्यों दुख दिया हाथी को ऐसा झूठ तुमसे होए, इतना झूठा है तू, हमारे हाथी को हमारे सदगुरु को इतना कष्ट पहुंचाया तूने, मेरे आगे कहा ये मेरे मुरब्बी, और तूने उस समय कहा था मेरे मुरब्बी मेरे आगेवान मेरे पूजनीय हैं ये, मैं गुलाम इनका अब तय क्यों फेरी अपनी, और तूने उस समय मेरे सामने कहा था मेरे कानों से सुना तेरे मुंह से निकली हुई बात, कह दिया था तू तो मैं गुलाम है इनका, मैं इनके चरण सेवक बन करके रहूंगा कहा था, तूने अपना व्यवहार क्यों बदल लिया, मां डारू तुझको द्वार सूर की ना छोड़ू क्यों मैं कर रहे, बराती भरे पड़े हैं सबके सामने उसकी ऐसी तैसी, इब्राहिम को मार डारो तुमको दुआ रसूल की ना छोड़ो, इंशाल्लाह तेरे को छोड़ूंगा नहीं, सब लगा उनके कदमों आगे गीजड़ हुआ इन पर करके नतमस्तक हो गया मुबत खान के पैर को पकड़ लिया उसने इब्राहिम, जाए कदमों लाग उनके जाए राजी कर मोमिन ने, ना तो तुझे ना छोड़ू हुए दिलगीर दिल रोशन ने, मेरे पैर पकड़ता है जाकर के हादी के चरणों में लग जा, शर्म नहीं आती तेरे को, छोड़ूंगा नहीं तेरे को आज, रात समय उठ के इब्राहिम आया था, आना ही था बेचारे को नींद नहीं आई, श्री जी के कदमों लगा सिर ना उठाया जाए, अंदर पहुंच गया जाकर के श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, अब शर्म इतनी आ रही है डर इतना है आज मेरे जान के लिए खतरा है, उठा नहीं जा रहा है उससे, तब नूर मोहम्मद बोलिया उठ खड़ा हो मुर्दार है, नूर मोहम्मद वहीं पर था सबको पता तो चली गया था, और उठ खड़े हो मुर्दार है मरा हुआ खड़ा नहीं होता है, शर्म नहीं आती तेरे को, मारो कटारी पेट में इतनी हो जाए शुमार है, मुसलमान है ना कठोर बातें बोलते हैं, मारो पेट पे कटारी तेरे पेट के आर पार न कर दूं तो तेरी ऐसी तैसी, मैं नूर मोहम्मद नहीं ऐसा करके बोल पड़ा, पर क्या करूं डरता हूँ हादी से इनका हुक्म ना है, अरे किसी को मारने की आज्ञा नहीं है, नहीं तो आज तेरी ऐसी तैसी शुमार मैंने खत्म ही कर देता तेरे को, ऐसी बेअदबी करके फिर चीरता उठ के जाए, इतना दुर्व्यवहार तूने इनके साथ किया है और यहाँ से जीवित जा सके ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती, पर हम भी नहीं चाहते ऐसा करना, कह मैं तुम्हारा गुलाम है मुझसे भाई भूल है, और कहने लग गया मुर्गा बन गया, अब तुम माफ करो मेरे को गलती हो गई माफ करो मेरे को, अब मैं तुमसे किया नसूल है, और मैंने वास्तव में व्यवहार जैसा करना चाहिए था गलत कर लिया, मैं गए तुम्हारे कदम में सो मैं ना छोड़ू कब, अब चरणों को पकड़ लिया मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, आपके चरणों के तले रहूंगा जैसी आज्ञा करोगे वैसा करूंगा, सब मोमिनों को कदमों लगा वहां को माफ किया, तब एक एक ब्रह्मा हजारों थे हजारों के बार मत्था टेका सबको, और फिर चलो चलो तेरे को माफ कर दिया, तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा, और फिर उसके मूर्खानंद ने उसने तो नहीं उतरवाया हो, उसके भाई ने पांचवा सिपारा, वह लिखवाने लगा हुआ जो पूरा, सुंदर साहब जी कितनी बढ़िया बात हो रही है ध्यान से सुनिएगा, हाँ क्या बोलते हैं,
रहे साथी इन समय। अच्छा, तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा उतरवाया, लिखवाने लगे, हुआ जो पूरा पांचवा सिपारा पूरा कर दिया उसके भाई ने लिखवाया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जो रहे। शाहजी अब दज्जाल क्या बन करके आ रहा है सुनिए, रुकावटें डालने वाली शक्ति आ रही है, क्या शोर किया चारों तरफ से। रहे साथी सब जुदे जुदे कहा उचित न हुआ। चारों तरफ से मुस्लिम सेना घेर करके बैठी है और कभी भी लड़ाई होने की शंका है तो ग्रुप में रहना, समूह में रहना खतरा था। सब अलग अलग जगहों में छुप करके रहने लग गए। सुंदर शाह जी अब छिप रहे जुदे जुदे हमें दीदार को एक बेर। श्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए बेर एक दो बेर दो बार सुबह शाम दर्शन करने आते हैं और अलग अलग जगहों में छुप करके रहने के लगे। सुंदर साधा वह जोरी भर के ले आ रहे टुकड़े मांगे फेरे, क्योंकि जो सामान था उदयपुर में प्राप्त हुआ है ना, सारा बांट के आए थे। ये साधुओं की मौज है सुंदर साध जी, इसमें आनंद है, इसी में तो आनंद है। अब है नहीं कुछ, चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है और वो चर्चा वार्ता का वो आनंद इतना चल नहीं पा रहा है। क्यों सुंदर साथ मतलब वहां के श्रोताजन आ जाएं ऐसी स्थिति नहीं है, आतंक है, डर है मुस्लिम सेना का। तो अब स्थिति क्या है, सुबह शाम खाने की स्थिति भी बड़ी तकलीफ वाली हो रही है, क्या खाया जाए कैसे किया जाए। तो क्या करते थे सुंदर साथ, सब घर घर में अलग अलग घरों में ठहरे हुए थे, गली गली में अलग अलग में ठहरे हुए थे, तो सब अपने अपने क्षेत्र से क्या करते थे, साथ ही रहे जुदे जुदे गांव के, छिप रहे जुदे जुदे आवे दे जोरी भर के ले आवे टुकड़े मांग के फिर। तो प्रातः काल घरों में जाकर के टुकड़े भिक्षा के रूप में मांग करके लाते थे और वो जमाना थोड़ा अलग था। आज भी गांव में और कई क्षेत्रों में ऐसा है कि साधु है वो मांग के खाते हैं और जैन साधुओं में भी है वो घर का बना के नहीं खाते, हाँ जो बना हुआ है जो खा करके बचा है उसको लेकर के खाते हैं। जैनों में है और कई सनातन धर्म में भी है कि मांग के खाते हैं और उतना ही मांगते हैं जितना चाहिए, शाम के लिए नहीं मांगते। पांच घरों में जाने का नियम होता था, पांच घर, और देने वाला भी उसी हिसाब से देता है कि इनका पेट भर जाए, ऐसे देते थे, ये नियम था। तो ऐसे मांग करके सुंदर साथ लाते थे। तो क्या किया श्री राजा रोगत इनकी झोली के, श्री प्राणा जी क्योंकि झोलियों में डाल करके ले आते थे टुकड़े है ना, उन टुकड़ों को श्री जी महाराज के चरणों में रख दिया जाता था, अपनी अपनी झोली लेकर के लाते थे। श्री प्राणा जी महाराज झोली में हाथ ऐसे डाल करके निकाल करके भोग लगा देते, आरोग लेते सुंदर साथ जी और कहते वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये झोली किसकी है भाई जिसके हाथ बजावत अपने ले आया मैं। सुंदर साथ कहते श्री जी महाराज आज मेरी झोली का टुकड़ा आप निकाल करके ले रहे हैं, मैं ले आया था मांग के, आपने एक भोग लगाया जी। राजी हो गए तिन पर बातें सच करे बनाए, आगे बोलिए। मैं अजमावा तुमको इन मजरों पहुंचाए, दिल में विचार करते श्री प्रण जी महाराज कौन है ये मांगने वाले, पता है सूरत के सेठ साहूकार हैं, विद्वान हैं, जिनके आगे पीछे हजारों लोग लगते हैं, ऐसे लोग आज झोली फैला करके लोगों के घरों से टुकड़े मांग के ला रहे। सुंदर साथ जी अनुभव करने की बात है, ये केवल चर्चा सुनने मात्र की नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बीतक सुनना मात्र नहीं, बीतक के साथ चलना है ना। सुंदर साथ जी एक प्रकरण आता है ना, मैं तुम्हारा गुनेगार है ना, किरंतन के अंदर कि तुम घरों में शाही सुख में रहने वाले धन संपत्ति से भरपूर घर परिवार महलों की तरह तुम्हारे घर थे, उनको छिड़ा छुड़ा करके आज मांगने के कगार पर पहुंचा दिया, इसलिए हे सुंदर शाह जी मैं तुम्हारा गुनेगार। श्री प्राणा जी महाराज हृदय से इस बात को स्वीकार करते हैं, सुंदर शाह को कष्ट हो रहा है, पर सुंदर शाह जी मैं एक बात कहूंगा, अहंकार ऐसे जाता नहीं है, अहंकार से साफ न हो तब तक धनी की पहचान नहीं हो सकती, धनी का की नजदीकी का अनुभव नहीं हो सकता। श्री जी महाराज ये करवा करके शुद्ध पवित्र बना करके धनी के लिए योग्य बनाते हैं सुंदर साथ को, पर इस कष्ट को झेलना आसान नहीं है ऐसे घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति को, इतने शाही सुख में रहने वाले व्यक्ति थे ये जो सुंदर साथ बन करके श्री जी के अंग संग चले हैं जी।
मोमिन राजी होए के बात करे खुश दिल लो पर सुंदर साथ को दुख नहीं है। मोमिन ब्रह्मात्मा खुश होकर के बातें कर रहे। श्री जी महाराज के साथ चलना सब कुछ मिल गया। ब्रह्मांड में इससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं। एक दिन हमका पाव ही रहे एक दूजे हिल मिले। श्री जी महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, है ना? मैं इतनी स्थिति आपकी हो गई करके श्री जी थोड़ा सा दुख की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ये दिन हम कब पावहीं ये रहे दुजे हिल एक दुजे हिल मिल। ये दिन सौभाग्य से हमें मिल रहे हैं श्री जी महाराज। ऐसा आप न कहें श्री जी, जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करके श्री जी के साथ आनंद आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तुम सिरभाना दज्जाल का कुटुंब मिला से कुटुंब कबीला परिवार को छोड़ करके धन संपत्ति दौलत को पीछे करके चले गए चले चल पड़े हो। रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल ऐसी अवस्था में भी जोशीले होकर के सुंदर साथ चल रहे हैं। श्री भाई जी ने इन समय सेवा करी। मोहम्मद ने क्या सेवा की? दाल है कि दिल है क्या? कोई बात नहीं, मतलब जो लिखा है वो बता दीजिए। आगे तेरे हमेशा दिल रोशन ने यहाँ कईयों में ये लिपि मतलब छपाई में भेद है। कहीं दाल बनाया आगे धरी है, कहीं दिल बनाया हाँ आगे धरे। जो भी है श्री भाईजू महाराज जी ने टुकड़े मांगने पर तो टुकड़े मिलते हैं सूखे टुकड़े। हो सकता है भाईजू महाराज जी ने दाल बनाया हो और भाईजू महाराज जी ने पिरसा हो सुंदर सात को जिमाया हो, है ना, प्रसाद ग्रहण करने का हो। क्योंकि भाईजू महाराज जी स्वयं सेवा की मूर्ति थी स्वयं, है ना। सुंदर साथ की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले भाईजू महाराज जी दाल बना करके एक दूजे को सेवाई हर भांत कर चित्ते। एक से बढ़कर एक सेवा में एक दूसरे की सेवा में हमेशा, क्योंकि तनी के अंग स्वरूप है। एक अंग दूसरे अंग को दुख सहन करना है। मेरे इस हाथ को चोट लग गई तो ये हाथ नहीं जाएगा क्या इस हाथ को पकड़ने? यदि हम धनी के अंग हैं, एक को कष्ट पहुंचे दूसरे को तुरंत पहुंच जाना चाहिए। कहां शंका कुशंका है ही नहीं। आनंद आनंद हो रहे हैं सुंदर सा सेवाओं में। पांच सात छुपाइए, पांच सात ही। नाना भाई चले आ मंसूर के में नाना भाई चले पड़े और कुछ नाम है सुनिए सुनिए सुंदर शाह जी। बस चार पांच उपाय प्रकरण पूरा माफ़ कह रहे हैं उतने ही सुख में से भाग्य में जितना लिखा है उतने होता है सुंदर शाह जी। मुकुंददास को उठे भेजे बाप से पास में भेजते श्री प्राणी जी महाराज मुकुंददास जी को। तुम जाओ तुम जाओ उनकी खबर ले आओ है जी। धार्मिक है पर देखो तो सही दम है कि नहीं। जाओ तो बुलावे तो हम आवे हमारा समाचार तो यदि बुलाता है तो हम जाएंगे देखेंगे। राजा है उसको जगाए तो काम हो सकता है। कहाँ जाकर लिखियो जैसा देखो वहाँ जाकर के देखना और चिट्ठी लिखना हमें। मुकुंददास आए जाए पहुँचे भाव सिंह से किया मिला। भाव सिंह हाड़ा के पास में पहुँच गए कहाँ औरंगाबाद में। चर्चा उनसे रस पड़ी उन कबूल किया श्री जी की आज्ञा लेकर गए और धर्म चर्चा सुनाने लग गए। तब वहाँ से कासद भेज दिया शिताब है श्री जी के संदेश को दिया तो श्री जी महाराज के दर्शन की इच्छा जाहिर की उसने। तो कहते हैं काशिद वहाँ से काशिद भेजे दिया शिताब तुरंत चिट्ठी लिख करके भेज दिया श्री जी महाराज को निमंत्रण भेजा। मंसूर आए पहुँचिया पाती ले किताब पत्र लेकर के श्री जी महाराज के पास काशिद पहुँचा। उनमें भली बात के लिखे थे सुकन्या भाव सिंह आड़ा ने बहुत आदर के साथ में बहुत व्यवस्थित चिट्ठी लिखी थी। पढ़ के आप राजी भाई सब साथ श्री जी महाराज ने पढ़ा और सबको सुनाया। बहुत खुश हो गए सुंदर साध और श्री जी महाराज। अब मंसूर से चलने का क्या उपाय? यहाँ से निकलना चाहिए सुंदर साध जी। साथ सब हुए तैयार है खबर सबों को आप चले क्योंकि सब जगह गली गली में रहे हैं। दो दो चार चार पांच सात जने छुप छुप करके रहे सबको समाचार दे दिया। अब यहाँ से चलेंगे सब साथ मेले भय हुए चलने को होशियार है चलने के लिए इकट्ठे हो गए। आठ महीने इतने हुआ हुक्म परवरदिगार अरे की आठ महीने तक मंदसौर में रहे और श्री जी महाराज की आज्ञा हो गई चलो अब चलो। श्री महामत कहे मामनो मंदसौर की भी तक है मंदसौर की भी तक है। अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक सो कहूँ हुक्म हक। अब यहाँ से धनी जो कहलवाएंगे आगे चल करके क्या क्या होता है तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला। लालदास जी महाराज कहते हैं आप सुंदर शाह जी मुझे माफ करना थोड़ा समय लगा और मैं भी मस्ती में आ गया थोड़ा कुछ बताने लग गया कुछ बातें बतानी जरूरी भी थी पर मैं समझता हूँ आज वैसे भी 15 अगस्त है आप सबको भारत की स्वतंत्रता दिवस की क्या है आज गणतंत्र तो नहीं है ना
कि गणतंत्र है बता दीजिए, भूल होती है सुंदर साहब जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारतीयता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। धर्म सब कुछ नहीं करता, यदि देश की रक्षा ना हो तो धर्म की बातें करना मुश्किल है। आपने सुना होगा मंद स्वर में चर्चा वार्ता का उस तरह से पूर्ण नहीं चल सका, क्यों? चारों तरफ से असुरक्षित थी जगह, तो असुरक्षित हो तो देश की सुरक्षा, देश के प्रति की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए 15 अगस्त शायद 69वां मेरे ख्याल से 70वां है क्या, अच्छा जो भी है, स्वतंत्रता दिवस आप सभी के लिए शुभ रहे, मुबारक हो, बधाइयां आप सबके लिए। तो आज मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं है, दुकान जाने वाले मुझे पता है 11:30 जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। और कुछ है? नहीं है, अल्लाह बलवा है, प्रसाद तो है, बहुत कुछ है, प्रसाद है। तो आज घर जाकर के नाश्ता बनाने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ है, आप यहाँ ग्रहण करेंगे प्रसाद। जी मुझे जानकर के बड़ी प्रसन्नता होती है, कुछ सुंदर साथ हम में से ऐसे ऐसे भी हैं जो भीतक सुनते हैं, उस अनुरूप अपने आप को कुछ करने का प्रयास करते हैं, वैसा ही करें जैसा मोमिनों ने किया, टुकड़े मां के लाए। तो मैंने सुना है वो सुंदर साथ आज 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 के दिन आज टुकड़े मांग करके ले आए घरों से इकट्ठा करके। मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने आज्ञावान होकर के, मैंने सुना है उनके विषय में, बहुत खुशी होती है हमें, यदि चिढ़ होती है तो अच्छी बात है, उसका नाम ले लिया, हम भी बने ऐसे, चिढ़ होती हो हमारे यहाँ कहते ना जलो मत रिस करो, लिखा होता है ट्रकों के पीछे, जलो मत रिस करो का मतलब उससे अच्छी बात हम सीखें, हम और आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये अच्छी बात है। क्योंकि यहां से श्री जी महाराज जहां जहां गए, जिस जिस क्षेत्र में श्री जी ने चरण रखा, उन उन क्षेत्रों में पहुंच करके, स्वयं नहीं सुंदर साथ भी यदि जाना चाहते हैं उनको भी पहुंचा करके वो अनुभव देने का कार्य किया, वो सामान्य नहीं है। मैं आज उनका नाम लेना चाहूंगा। और भाई साहब मेरे ख्याल से मैंने आपके दर्शन किए थे, आप आए हैं तो आप सामने आइए भाई साहब, आदरणीय श्री राकेश जी सिडाना आप आइए, और यदि आपकी धर्मपत्नी आई हुई है तो वो भी बहन जी। और मैंने सुना है कभी ग्रुप में गए तो जो भाव इनमें दिखाई दिया, जो गए सुंदर साथ उनको पता है, इन्होंने वास्तव में प्रयास किया, प्रयास करने पर बहुत कुछ मिलता है, वही विनम्रता, वही सरलता, वही सेवा का भाव, ये और इनकी धर्मपत्नी। तो हम विशेष, ये मैंने सुना है धामों की तरफ से आशीर्वाद के रूप में ये शॉल आई है, तो ये शॉल नहीं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, राजी महाराज कृपा करें और इस तरह की भावना और बढ़ चढ़ करके चले और सब सुंदर साथ को इसकी प्रेरणा मिले। बहुत बहुत शुभकामना, बाबा दयाराम धाम का भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी महाराज इनको स्वास्थ्य बख्शे और सुंदर साथ को प्रेरणा देने का काम करते चले। ये भी माया के ही हैं, परिवार में ही रहते हैं, परिवार का लालन पालन भी करते, कमाते भी हैं, और भाव हम अच्छा रखें तो इसी जग में वो परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद हमें मिला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, उदाहरणीय ऐसे कार्य हम भी करें सुंदर साथ जी, और चौपाई दुराई जाए। सो कहूं हुकम हाक, सो कहूं हुकम हाक, श्री महामति के मोमिनो, श्री महामति के मोमिनो, मंदसौर की बीतक, मंदसौर की बीतक, अब यहां से
चले अब यहाँ से आगे चले तो कहूँ हुक्म कर सो कहूँ हुक्म कर सो कहूँ हुक्म कर सो कहूँ हुक्म कर श्री प्राणनाथ प्यारे